हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? एम आई ऑडिबल? ओके, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? सबको स्क्रीन विजिबल है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सो चलिए, कहाँ पे हम लोग अटके थे? कहाँ पे हम लोग अटके थे? सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग अटके थे एट बीट्रेट। क्या क्या देखा था? सो क्या क्या देखा हुआ था अगर उसकी बात कर रहे हैं? सो हमने चालू ही किया था बाय PAM, हाँ, पहला बेस बैंड मॉड्यूलेशन स्कीम जो है PAM। सो वहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग जो एक पल्स होगा, वो पल्स को कोई एक वोल्टेज वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। पल्स को जो भी वोल्टेज वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो असाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिट और सिंबल व्हाट वी आर ट्रांसमिटिंग। अगर वो बाइनरी है तो हमें ये पता है कि हमें आइधर वन और जीरो ही ट्रांसमिट करना है। सो इन दैट केस हम जो पल्स हैं उसको वन के लिए कोई एक वोल्टेज असाइन करेंगे और जीरो के लिए कोई एक अलग वोल्टेज असाइन करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट 4 PAM, सो इन केस ऑफ 4 PAM वी आर ट्रांसमिटिंग 2 सिम्बॉल्स एट अ टाइम। सो इन दैट केस, सॉरी, 1 सिम्बॉल एट अ टाइम। सो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं? सिम्बॉल जो है तो वो सिम्बॉल के हिसाब से, लेवल के हिसाब से हम वहाँ पे, अगर 4 PAM की बात कर रहे हैं तो 4 लेवल्स वहाँ पे होंगे, तो वी कैन ट्रांसमिट 2 सिम्बॉल्स एट अ टाइम। एंड उसकी वजह से जो भी हमारा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो हमारा आधा हो रहा है। दैट्स व्हाट वी हैव सीन। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि व्हाट डू यू थिंक, अगर हम बीटरेट की बात कर रहे हैं तो बीटरेट क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, क्या होगा? सो क्या कुछ सोचा आप लोगों ने इसके बारे में, बीटरेट के बारे में? बीटरेट के ऊपर क्या असर होगा? तो क्या किसी को सोच, क्या किसी ने सोचा इसके बारे में? ओके, ईशा, बढ़ेगा। ओके, कैसे बढ़ेगा? कोई समझा पाएगा मुझे? लाइक कन्विंस करो मुझे कि बीटरेट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा। तो क्या कोई समझा पाएगा मुझे? अभिषेक लिंगे या तो फिर ईशा। सो ईशा, कैन यू एक्सप्लेन टू अस कि क्यों बढ़ेगा? सर, मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि अगर पहले टी टाइम में हमारे पास 1 बिट आ रहा था और जब हमारा 2 PAM था, अब हमारा 4 PAM में उसी टी टाइम में हमें अवेलेबल दोनों बिट्स होंगे, पर वो रहेंगे 2 T टाइम तक लाइन में हैं ऐसा। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब टी टाइम में पहले 1 बिट आ रहा था, तो अब टी टाइम में 2 बिट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो उसका मतलब बिट रेट डबल हो गया ना। मगर वो जो अब बिट है वो तो रह रहे हैं फॉर 2T। हाँ, रह रहे हैं फॉर 2T, पर आज टी टाइम पे अवेलेबल तो दोनों ही होंगे ना, क्योंकि वोल्टेज लेवल कॉमन है। ओके, अभिषेक, क्या आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अभिषेक लेंगे, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, पता नहीं सर। अच्छा, मगर इंक्रीज होगा ये पता है? होना तो चाहिए सर, आपने नहीं बोला था पर कल। ओके, प्रामाणिक तो समझा पाएगा? पर सेकंड में 2 बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं। ओके, तन्मय। सो तन्मय, इफ यू वांट टू शेयर योर व्यूज ओवर हियर तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ कि क्या आप क्या सोच रहे हो तन्मय कि क्या होगा? माइक का प्रॉब्लम होगा शायद। हाँ बताइए। जब बीट रेट था उधर 1 सेकंड में 1 ही बिट ट्रांसफर हो रहा था 2 PAM में,
और 4 PM में 1 सेकंड में 2 बिट ट्रांसफर हो रहे हैं 2P टाइम के लिए। ओके सो ओके प्रामाणिक कुछ बोलना चाहेगा? तन्मय बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा 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 बहुत आवाज बहुत आ रहा है। कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए तो मेरी बात सुनिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई भी PM के बारे में या कोई भी हमारे मॉड्यूलेशन स्कीम के बारे में, तो चलिए सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपका ध्यान यहाँ पे है, क्या आपका ध्यान यहाँ पे है। मैं समझा रहा हूँ आपको, एकदम क्लियर चीज़ है, एकदम सिंपल चीज़ें है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई भी एम एरे पाम के बारे में, कोई भी एम एरे पाम के बारे में, तो चलिए मुझे ये बताओ। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ से सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं एम एरे पाम की बात कर रहा हूँ, तो पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अलग अलग पाम हमारे पास होंगे। एक तो होगा सपोज से 2 पाम, एक तो होगा सपोज से 2 पाम, वी मे हैव 4 पाम, वी मे हैव 8 पाम। तो हमें ये मालूम पड़ा है कि इन सब में होता क्या है। अगर हम 2 पाम, 4 पाम, 8 पाम की बात करें, तो एक तो यहाँ पे जो हम सिंबल भेजेंगे, अगर हम यहाँ पे सिंबल्स की बात करेंगे, तो यहाँ बताओ सिंबल्स में क्या होगा। अगर यहाँ यहाँ सिंबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पर सिंबल है, तो आई में से पर सिंबल यहाँ पे एक ही बिट भेजेंगे, राइट। अगर वो 4 पाम है, तो हम 2 बिट्स भेजेंगे, और अगर हम 8 पाम की बात कर रहे हैं, तो हम 3 बिट्स भेजेंगे। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे सिग्नल्स हैं, यहाँ पे जो पल्स है, वो पल्स का ड्यूरेशन बढ़ेगा। अगर मैं PT की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो PT का ड्यूरेशन होगा वो T होगा, यहाँ पे वो ट्वाइस ऑफ T होगा, यहाँ पे वो 3T होगा, बराबर। मगर क्या मैंने यहाँ ऐसे कहीं कुछ भी ऐसा बोला कि जब आप ट्रांसमिट करोगे तो उसके अंदर हम कुछ टाइम अलग अलग करेंगे? अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम सिम्बॉल ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर 2 PM, अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर 2 PM, सो इट मे हैपन कि आई एम ट्रांसमिटिंग एट सिम्बॉल्स इन 1 मिनट, और आई में से एट सिम्बॉल्स इन अ सेकंड, राइट। आप इसको सिम्बॉल की तरह देखो, मैं भेज रहा हूँ 8 सिम्बॉल्स इन अ सेकंड, और जो 4 PM है यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, अगेन ट्रांसमिट तो मैं सेम ही कर रहा हूँ, तो मैं क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं भेज रहा हूँ 8 सिम्बॉल्स इन अ सेकंड। बोले हाँ कि ना, मैं भेज तो सिम्बॉल्स ही रहा हूँ, मैंने ऐसा बोला कि हम सिम्बॉल्स जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कुछ फर्क करेंगे? नहीं, सिम्बॉल्स तो हम ट्रांसमिट करेंगे उसी रेट पे। तो अगर मैं ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ, तो अब मुझे बताओ कि 8 सिम्बॉल्स पर सेकंड जाएगा इन केस ऑफ 2 PM, तो बताओ यहाँ पे बीट रेट क्या होगा। तो आप लोग बहुत सही बताओगे कि यहाँ पे सर 8 बिट्स पर सेकंड होगा, यहाँ पे 8 बिट्स पर सेकंड होगा। मगर अगर हम 4 PM की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 16 बिट्स पर सेकंड होगा। बोलिए हाँ कि ना, यहाँ 16 बिट्स पर सेकंड होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका जो सिंबल है यहाँ पे इन केस ऑफ 4 PM, सिंबल के अंदर 2 बिट्स आप एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं। बोलिए हाँ कि ना। थिंक इट एज कि आप सिंबल ट्रांसमिट कर रहे हो, रादर देन थिंकिंग अबाउट बिट्स, कि आप सिंबल्स ट्रांसमिट कर रहे हो, आप सिंबल ट्रांसमिट करे जा रहे हो, बट जब आप बात करोगे 2 PM का, तो वहाँ पे एक सिंबल में एक ही बिट है, मगर इन केस ऑफ 4 PM आपका एक सिंबल में 2 बिट्स हैं। क्या ये कन्विंसिंग है? हाँ, क्या ये समझ पा रहे हो? मैं सिंबल्स की बात कर रहा हूँ, डोंट कंसीडर इट एज अ बिट्स, हम अभी सिंबल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, पर बीट रेट बीट के रेफरेंस में है ना? हाँ बेटा, बीट रेट जो है वो तो लेता हूँ मैं बीट के रिस्पेक्ट में ही, मगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सिंबल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। अभिषेक, इट इज़ समथिंग लाइक कि मैंने यहाँ पे 8 सिम्बॉल्स भेजा, तो वहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पे 8 सिम्बॉल्स के अंदर 8 ही बिट्स हैं, मगर यहाँ पे जो हम भेज रहे हैं, ओके, तो सबसे पहला चीज़ मेरा ये है। अच्छा, हाउ टी एंड 2T डिफर्स, मैं वही, अगर टी और 2T की बात कर रहा हूँ, तो अच्छा मेरी बात सुनिए। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज मैं 1 ट्रांसमिट कर रहा हूँ, राइट,
वन ट्रांसमिट करना हो, तो वन ट्रांसमिट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, वन ट्रांसमिट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि वन ट्रांसमिट करने के लिए हम पर्टिकुलर एक जो पल्स है वो पल्स से ट्रांसमिट करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या बोल रहा था, कि सिंपल चीज़ बोल रहा था कि अगर हम वन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इन केस ऑफ वन हम ट्रांसमिट करेंगे, हम ट्रांसमिट करेंगे क्या हमारा पी ऑफ टी, आई थिंक मैं पी ऑफ टी बोल रहा था इसको, हम पी ऑफ टी ट्रांसमिट करेंगे, उसका जो शेप है इट इज समथिंग लाइक दिस, अ रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन टी, उसका शेप ऐसा है। मगर मैंने ऐसा बोला या तो फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो हमारा पल्स है वो पल्स हम भेजेंगे इन दिस टाइम ड्यूरेशन या इतने सेकंड्स में भेजेंगे, हम ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं। हमने ये बोला कि ये जो वन है, वन के लिए ये इक्विवेलेंट पल्स है और ये पल्स भेज रहे हैं, आई मीन टू से ये पल्स भेज रहे हैं इन एवरी वन मिली सेकेंड, बोलिए हाँ कि ना, ये पल्स भेज रहे हैं इन एवरी वन मिली सेकेंड। बट नाउ द थिंग इज, कैन आई चेंज शेप ऑफ द पल्स, कैन आई चेंज शेप ऑफ द पल्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, जो पल्स है ना वो पल्स का जो शेप है वो शेप मैंने क्या लिया है, जो शेप है ना वो शेप मैंने सिर्फ शेप चेंज किया है, और जो शेप है उसमें क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास जो पल्स है ना वो पल्स है ऑफ अ ड्यूरेशन 2t, अब जो मेरे पास पल्स है वो पल्स है ऑफ अ ड्यूरेशन 2t। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि भैया ये भी मेरे पास तो एक पल्स ही है, मेरे पास तो ये भी एक पल्स ही है, मगर अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये पल्स की बात कर रहे हैं तो ये पल्स के लिए क्या होगा। अगर मैं ये पल्स की बात कर रहा हूं तो मुझे ये बताओ कि ये पल्स के लिए क्या होगा, ये जो आपका पल्स रहेगा ये पल्स का ड्यूरेशन तो होगा आपका ट्वाइस ऑफ टी, ये जो पल्स है ये पल्स का मैं ड्यूरेशन ले रहा हूँ, मैंने शेप चेंज कर दिया, मैंने शेप चेंज कर दिया है, ये जो मेरा पल्स है वो पल्स है ऑफ ड्यूरेशन 0 और ऑफ टाइम इंटरवल 2t, ये रिप्रेजेंट करेगा मे बी, ये रिप्रेजेंट करता है सपोज 1 1 ये बिट को। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पल्स को ट्रांसमिट कर रहा हूँ विद इन एवरी वन मिली सेकेंड, इन ईच वन मिली सेकेंड। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पे हर वन मिली सेकेंड में हम एक पल्स ट्रांसमिट कर रहे थे, यहाँ भी हम एक मिली सेकेंड में एक पल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, मगर क्या दोनों पल्स अलग हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों पल्स अलग हैं। ये जो पल्स है वो सिर्फ एक ही बिट का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है और ये जो पल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं वो दो बिट्स का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, और कुछ फर्क पड़ेगा? तो बोले हाँ सर, यहाँ पे जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वहाँ भी फर्क पड़ेगा, अगर ये पल्स शेप है तो यहाँ पे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट RB होगा और यहाँ पे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट RB/2 होगा, बोलिए हाँ कि ना, हाँ क्या ये समझ रहे हो आप लोग, हाउ कैन डिफरेंट पल्सेस बी ट्रांसमिटेड इन द सेम टाइम। अविश इट इज समथिंग लाइक, तेरे पास पल्स है, तेरे पास ये सिम्बॉल है, तेरे पास ये सिम्बॉल है और ये सिम्बॉल को ट्रांसमिट कर रहा है, इट इज़ समथिंग लाइक कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो आई थिंक एप्पल्स आ रहे हैं, एप्पल से चॉकलेट्स आ रहे हैं, चॉकलेट प्रोडक्ट हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही हाथ से चॉकलेट को डाल रहे हैं, हम एक ही हाथ यूज़ कर रहे हैं और चॉकलेट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मगर अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास चॉकलेट्स तो आ ही गए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, दो चॉकलेट्स को एक साथ भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम भेजेंगे, जो उसका कंटेंट होगा, एक तो वो बढ़ जाएगा, मगर अब क्या होगा, दो दो चॉकलेट्स एक साथ भेज रहे हैं, मगर जो रेट से हम ट्रांसमिट कर रहे थे, जो रेट से हम चॉकलेट्स डाल रहे थे वो तो सेम है, तो पहले के केस में जो एक ही चॉकलेट ट्रांसमिट हो रहा था, अब क्या होगा, हम दो चॉकलेट्स को थ्रो कर रहे हैं, है ना अविश, यानी कि मैं कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ट्रांसमिशन का रेट चेंज किया, यहाँ पे जो पल्स शेप है वो पल्स का शेप चेंज हो रहा है, पल्स का शेप चेंज हो रहा है, उसका ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, मगर जो ट्रांसमिशन रेट है वो तो क्या होगा आपका, वही सेम रह रहा है। सो फर्स्ट में टी है और सेकंड में 2t है, फिर दोनों का टाइम सेम कैसे हुआ 1 मिली सेकेंड। सुमित
सुमित इसको कैसे सोचो आप, इसको ऐसे सोचना है सुमित, हाँ मेरी बात सुनो, ये जो आपका जो ये सिर्फ और सिर्फ शेप है सुमित, ये जो है ना ये पल्स का सिर्फ और सिर्फ शेप है, मैं इसको ट्रांसमिट कर रहा हूँ या मैं इसको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैं ये शेप को ट्रांसमिट कर रहा हूँ सुमित, इट डजेंट मीन कि ये जो शेप है वो उसका ड्यूरेशन टी सेकंड्स है और ये जो शेप है उसका ड्यूरेशन टू टी सेकंड्स है, जो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ वो ट्रांसमिशन रेट सेम है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास फोर पाम सिस्टम होगा, अगर हमारे पास फोर पाम सिस्टम होगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक सिंबल, मुझे ये बताओ क्या आप लोग ये बात से कन्विंस हो कि हम एक सिंबल ट्रांसमिट करेंगे, हम एक सिंबल ट्रांसमिट करेंगे इन इन वन मिली सेकेंड, क्या ऐसा होगा सुमित, हम एक सिंबल ट्रांसमिट करेंगे, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि हम एक सिंबल ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे, नहीं बेटा फ्रीक्वेंसी डबल क्यों करना है, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी डबल क्यों करना है, मुझे मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने एक सिंबल आप सिंबल ही ट्रांसमिट कर रहे हो, आपके पास कोई भी पीएएम हो आपको अल्टीमेटली सिंबल ही ट्रांसमिट करना है, हाँ कि ना, ओके, इफ एट पाम देन वन सिंबल गोज इन वन मिली सेकेंड एंड थ्री बिट्स इन वन मिली सेकेंड, ऑब्वियसली, हाँ सुमित सही बोल रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा कि सपोज मेरे पास एक जो है वो है थ्री बिट, राइट, 101, 101, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो जो सिग्नल होगा, जो पल्स होगा वो पल्स का शेप बहुत अलग है, जो पल्स होगा वो पल्स का शेप मैंने अलग से डिज़ाइन किया है, मगर और ये जो पल्स है ये पल्स मेरा होगा कहाँ से कहाँ, ये पल्स जो होगा वो पल्स होगा मेरा अप टू से थ्री टी, ये जो पल्स होगा ये पल्स होगा अप टू थ्री टी, मगर अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपका पल्स होगा, ये पल्स को आप ट्रांसमिट करोगे भैया, वो तो ट्रांसमिट करोगे आप एवरी वन मिली सेकेंड, एग्जैक्टली, हाँ ये पूरा पल्स है, राइट, तो आप पूरा समझो इसको एज अ पल्स, हम ट्रांसमिट पल्स को कर रहे हैं, अदरवाइज फ़ायदा ही क्या है ना, अदरवाइज फ़ायदा ही क्या, तो यहाँ पे हमने 3T कर दिया, तो अब क्या होगा यहाँ पे हम इसको भी क्या कर रहे हैं, इन वन मिली सेकेंड हम ये सिंबल को भेज रहे हैं, और अगर ये सिंबल को भेज रहे हैं तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू ट्रांसमिटिंग थ्री बिट्स इन अ सेकेंड, इन मिली सेकेंड, अगर वन मिली सेकेंड के बाद नेक्स्ट पल्स चाहिए तो 2T इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड हो गया ना, यानी ईशा क्या बोल रहे हो, बट सर अगर 1 मिली सेकेंड के बाद नेक्स्ट पल्स चाहिए तो सर मतलब मेरा ये डाउट है कि हम बोल रहे हैं ना कि सब में एक ही मिली सेकेंड के बाद हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो okay. मतलब पहले केस में हम एक मिली सेकेंड का ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब टी इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट केस में भी 2T इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, फिर 3T इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो टी की वैल्यू चेंज हो रही है ना, टी कौन सा, कैपिटल टी जो आपने पल्स का ड्यूरेशन लिखा है वो चेंज हो रहा है, यानी मतलब सर आपने बोला ना नेक्स्ट पल्स 1 मिली सेकेंड के बाद आ रही है हर केस में, तो मतलब 1 मिली सेकेंड के बाद आ रही है, मतलब एक पल्स की विड्थ 1 हुई ना, नहीं ऐसे कैसे सर, तो फिर 1 मिली सेकेंड टी ड्यूरेशन तक एक पल्स रहेगी, तो फिर कैसे रहेगी, मतलब यानी सिर्फ पल्स की विड्थ तो फिक्स है ना टी, तो फिर अगर हमें हर एक मिली सेकेंड के बाद वैसे भी देख सकते हैं ना सर, अगर आपने बोला सिंबल रेट सेम रहेगा कि एक सिंबल एक सेकेंड में है, तो पहले में 80 टाइम हम ले रहे हैं और दूसरे में 16T टाइम ले रहे हैं, क्योंकि 2 बिट्स है ना, तो एक पल्स की विड्थ 2T, 8 सिंबल्स, तो 16T टाइम, तो दोनों वंस मिली सेकेंड कैसे हो सकते हैं, अगर ऐसे नहीं, ओके 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 रुको, चलिए अगर मैं ये ले रहा हूँ कि सपोज मेरे पास ये जो ये पूरा बिट स्ट्रीम है,
ये पूरा बिट स्ट्रीम है, ये हो गया मेरा 10 11 010, ऐसा कोई बिट स्ट्रीम है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो एक वन है तो उसके लिए एक पल्स असाइन करेंगे, ये एक पल्स हो गया। ज़ीरो के लिए मैंने ये एक पल्स असाइन किया, ये सिंगल 2 PM की बात कर रहे हैं, तो ऐसे भी 1 1 के लिए एक पल्स होगा, 0 के लिए एक पल्स होगा, 1 के लिए 0 के लिए पूरा एक पल्स होगा, बराबर। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर ये 2 PALM है, अगर ये 2 PALM है, सो इन केस ऑफ 2 PALM मैं ये एक ही सिंबल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मैं ये एक सिंबल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ इन ईच 1 ms। दैट डजेंट मीन कि अभी इसका ड्यूरेशन क्या है या तो फिर ये इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, वो कुछ मायने नहीं रखता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये पल्स है, अब ये पल्स को मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ इन ईच 1 ms। अब अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 4 PALM, अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 4 PALM, तो अब मेरे पास जो होगा 10, तो 10 के हिसाब से मेरे पास एक पल्स है, 11 के हिसाब से, 11 के हिसाब से मेरे पास कोई एक और पल्स है, 11 के हिसाब से मेरे पास कोई एक पल्स है, उसके बाद से 01 के हिसाब से कोई एक पल्स है, और 01 के हिसाब से वो एक पल्स है। सो ईशा, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब हम अगेन 1 ms में ये पूरा सिंबल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे पास रेडी है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 2 PALM है या 4 PALM है या 8 PALM है, सो वी डिज़ाइन अवर सिग्नल और वी डिज़ाइन अवर पल्स इन सच अ मैनर कि हमारे पास अलग अलग लेवल्स आ रहे हैं फॉर 2 bits और 3 bits और 4 bits, बट वो एक बार आ जाने के बाद हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको एट द सेम रेट इन अ 1 ms में, वो पूरा एक पल्स जो है वो पूरा एक जो बंच है ना वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। ईशा, आप क्या आप समझ रहे हो अभी? हाँ, लाइक अल्टीमेटली एक बात तो तय है ईशा कि हमें एक बीट के लिए हमें पल्स असाइन करना पड़ेगा, हमें हर एक बीट के लिए, अगर हमारा 2 PALM है तो 2 PALM के लिए हमें हर एक बीट के लिए कुछ ना कुछ तो वेवफॉर्म या पल्स असाइन करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो पल्स असाइन हुआ है फॉर 2 PALM इट इज़ ऑफ अ ड्यूरेशन टी। अब जब हम 4 PALM यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे 2 2 bits के इक्विवेलेंट एक पल्स डिज़ाइन करेंगे और उसको हम पूरा पल्स ऑफ अ 2T ड्यूरेशन का लेके ट्रांसमिट करेंगे। सो फिर टी पे डिपेंड नहीं करेगा सिंबल का ट्रांसमिशन रेट। हाँ अभिषेक, जो कैपिटल टी है उसके ऊपर हमारा डिपेंड नहीं करेगा सिंबल का ट्रांसमिशन रेट। जैसे ही हमारा सिंबल की बात कर रहे हैं तो सिंबल को तो हम एक ही रेट पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ सिखाता हूँ वो होता है बॉड रेट। एक और मीन्स वी आर नॉट कंसर्न विथ ड्यूरेशन ऑफ अ पल्स, वी ट्रांसमिट 1 pulse per ms। अविश, ऐसा नहीं है ना, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम 1 pulse को भेज रहे हैं। हाँ, यानी हाँ, एक सिंबल को भेज रहे हैं। हाँ, आप आई थिंक आई यू मीन अ सिंबल। हाँ, हम एक सिंबल को भेज रहे हैं। अब वो सिंबल का शेप कैसा भी हो, दैट डजेंट मीन, मगर कैपिटल टी चेंज होगा ना हर बार। अभिषेक, हाँ, जो पल्स आप डिज़ाइन कर रहे हो अभिषेक, तो आपके पल्स के हिसाब से आप कौन सा पाम यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपका कैपिटल टी चेंज होगा अभिषेक। अगर वहाँ पे 2 PALM है तो वहाँ आप 2 bits को एक साथ भेज रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो पल्स है उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 ऑफ t हो जाएगा। हाँ, हार्डवेयर में चेंज होगा ना, सबका अलग अलग होता है हार्डवेयर। अभिषेक लेंगे, समझ रहे हो? ओके, अभिषेक मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभिषेक मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलो, नहीं वो NIT टाइम पर वो तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि t इज इक्वल टू TS/N। अच्छा, नहीं नहीं ईशा, यहाँ पे जो मैं टी की बात कर रहा हूँ, ये जो आपका टी है, इट इज़ असाइंड फॉर अ सिंगल बिट।
ये जो है वो सिंगल बिट का टाइम है। अब ये आपको किसने बताया, यानी मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये जो है वो आपका वही वाला है, आपका टी एस डिवाइड बाई एन वाला। हाँ ईशा, इट इज जस्ट अ ड्यूरेशन ऑफ अ पल्स जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ। एक जो पल्स मैं डिजाइन कर रहा हूँ उसका ड्यूरेशन है। हाँ, ये जो टी है वो हमारा कुछ एक 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 फिक्स इंटरवल है जो मैं असाइन कर रहा हूँ फॉर ईच ऑफ द बिट्स। सर, पर हर टी एस सेकेंड में हमारे पास एक सैंपल आता है, तो हमारा अगर एक सैंपल के एंड बिट्स हैं तो वो आपने जैसे उधर बताया था कि टी एस सेकेंड में एंड बिट्स तो ट्रांसमिट होने ही चाहिए। अच्छा, मगर हमें वहाँ पे क्या मालूम था, पीसीएम के अंदर हमने ये एग्री भी किया था कि पीसीएम के अंदर हमारे पास जो एन एन बिट्स आएंगे वो तो एक साथ आ जाएंगे। हाँ, फिर हम लोग उसको कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं वो फिर हमारे ऊपर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि फॉर अ सिंगल बिट कितना टाइम है, तो फॉर अ सिंगल बिट हम बोलते हैं कि वो टीबी इंटरवल है, और अगर हम उसको भेज रहे हैं सीरियली, सो इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि हर एक बिट को टी एस बाई एन टाइम इंटरवल मिल रहा है, अगर हम उसको सिंगल 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 भेज रहे हैं तो, और सीरियली भेज रहे हैं तो पीसीएम का बीट रेट वॉज करेक्ट। वो क्या था हमारा, आरबी इज इक्वल टू एनएफएस, वो पीसीएम का बीट रेट था, आरबी इज इक्वल टू एनएफएस बाय कंसीडरिंग कि हमारे पास बिट्स आ रहे हैं पैरेलली मगर हम उसको भेज रहे हैं सीरियली। सो हर एक बिट के लिए जो टी एस सेकेंड के बाद हमारे पास एन बिट्स आएंगे उसके लिए हमारे पास एक बिट के लिए जो टाइम है वो है एनएफएस, सॉरी क्या बोला था, हाँ टी एस बाई एन, है ना ईशा। तो पीसीएम के लिए बिल्कुल सही है, जो हम पीसीएम के लिए बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ हम पीसीएम को ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ हम पीसीएम को ही ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो भी हमारा एक सिंगल बिट है तो ये सिंगल बिट के लिए जो हम बिट ड्यूरेशन दे रहे हैं ये पल्स है, ये पल्स मैंने डिज़ाइन किया है, ये जो पल्स है ये पल्स मैंने डिज़ाइन किया है, ये जो पल्स है ये पल्स मैंने डिज़ाइन किया है, और ये पल्स का ड्यूरेशन मैं टी ले रहा हूँ। अब दैट डजेंट मीन ईशा कि ये जो टी है इट शुड बी सेम एज बिट ड्यूरेशन, इट डज नॉट मीन कि ये जो टी है इट हैज टू बी सेम एज टीवी। ये जो मैं टी ले रहा हूँ इट मे बी अकॉर्डिंग टू मेरा चैनल का रिक्वायरमेंट, इट मे बी अकॉर्डिंग टू मेरा चैनल का रिक्वायरमेंट, और दोनों सेम भी हो सकता है ईशा। हाँ, यानी आपका जो टी है वो टेम, आपका जो टी है वो टी इज इक्वल टू टीबी भी हो सकता है। इन दैट केस अब अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम दो बिट्स की बात कर रहे हैं, सो इन केस ऑफ दो बिट्स अगर हम साथ में ट्रांसमिट करेंगे आपका पल्स है ना वो पल्स होगा ऑफ टू बी ड्यूरेशन, क्योंकि अगर अभी उसको रिप्रेजेंट करना है 1-0 को, और इससे फायदा हो रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है कि जो हमारा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है ना वो कम हो रहा है। अगर हम 1-0 सिंबल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम ये पल्स ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं, और पल्स जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन हमने अगर 2 TB कर रहा है, 2 TB कर दिया है, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, तो ये फ़ायदा हो रहा है हमको। तो जितना नंबर ऑफ बिट्स और हम कंपाइल करेंगे इन अ सिंगल सिंबल, तो हमने क्या हो रहा है, हम पल्स ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट और कम होता जाए। बोलिए हाँ कि ना। तो 2 और 4 PCM में टी सेम है ना, टी कहाँ सेम है बेटा, यहाँ टीबी होगा, एक पल्स का ड्यूरेशन टीबी होगा, यहाँ पे 2 है इसलिए ट्वाइस ऑफ टीबी होगा। हाँ, अगर आप सिंगल बिट के लिए बात कर रहे हो कि हाँ सिंगल बिट के लिए यहाँ भी टीबी है और पहले भी टीबी है, हाँ तो वो सही है। अगर हाँ टीबी की ही बात करो, सिंगल बिट के लिए सही है, मगर हाँ सिंगल बिट के लिए टीबी है, मगर आप अब ये सोचो कि अब आपके पास पहले ये पल्स था, आप ये पल्स भेज रहे हो इन 1 मिलीसेकंड, अब आप ये पल्स भेज रहे हो इन ईच 1 मिलीसेकंड, क्या अब डिफरेंस क्लियर है दोनों के अंदर। यहां पे आप एक ही पल्स को भेज रहे थे इन 1 मिलीसेकंड, मगर जब आप 2 PALM यूज करोगे तो आप 2 ये जो पूरा सिंबल है ना ये आप भेज रहे हो इन 1 मिलीसेकंड,
विच इज अल्टीमेटली यू आर सेंडिंग ट्वाइस ऑफ इंफॉर्मेशन देन द सिंगल आई मस्ट से ट्वाइस ऑफ इंफॉर्मेशन देन द टू पाम. क्या अब ये क्लियर है अभिषेक ईशा एंड फिर पल्स कितना भी बड़ा हो उसके एक साथ. हाँ अभिषेक, हाँ अभिषेक वही पूरा सिंबल होगा ना अभिषेक, वही पूरा सिंबल होगा अभिषेक. अगर हम 16 पाम की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ 16 पाम हमारे पास 4 बिट का एक सिंबल आएगा और वो जो पूरा सिंबल आएगा वो हम सिंबल को ट्रांसमिट कर रहे हैं. राइट अभिषेक, तो अगर मैं यहाँ पे देखो एक एक चीज़ में अगर आपको बोलता हूँ, एक चीज़ जो होता है यहाँ पे क्या होता है, क्या समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ वो? हाँ या और कोई चाहिए एक्सप्लेनेशन आपको? हाँ सुमित अनम्यूट करिए. सर अगर क्वांटाइजर किसी वन, अगर मान लो 1 मिली सेकंड में बस 4 ही बिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, सॉरी 3 ही बिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो अपन फिर 16 पाम तो यूज ही नहीं कर सकते. बट क्वांटाइजर का तो काम अलग है ना, क्वांटाइजर 3 बिट कैसे प्रोड्यूस करेगा? अगर मान लो 3 बिट क्वांटाइजर है, हर सैंपल वैल्यू को 3 बिट प्रोड्यूस कर रहा है. हाँ यानी कि आप क्या बोल रहे हो, देखो पूरा प्रोसेस क्या है कि सपोज हमारे पास ये सैंपल है उसके बाद ये सैंपल है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सैंपल है बेटा क्वांटाइजर इसको ही क्वांटाइज करेगा, और ये जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है तो आप शायद ये बोल रहे हो कि ये एनकोड हो रहा है इन 3 बिट्स, राइट? हाँ तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सपोज यूज भी कर रहे हैं कौन सा वाला 16 वाला या ऐसा कुछ, तो हमें वेट करना पड़ेगा जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ का भी जो इन्फॉर्मेशन आएगा तब तक वेट करना पड़ेगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये जनरेट होना और ये ट्रांसमिट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. हमने PCM के लिए बात किया था बिटरेट के बारे में, बराबर RB के लिए बात किया था, तो वो PCM के लिए ख़त्म हो गया वहाँ पे कहानी. कि अगर RB की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बोलेंगे इतना बिट्स जनरेट हो रहा है इन TB इंटरवल, सॉरी इनटू TS इंटरवल, राइट? तो मगर यहाँ पे अगर हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं सो इन दैट केस वो टोटली अलग है. जैसे अभी सुमित ने बताया कि यहाँ पे 3-3 बिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और सपोज हमने यूज़ किया है 64 पाम, तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी नीड टू वेट फॉर ये इसका 3 बिट्स और इसका 3 बिट्स जब आ जाएगा तब हम इसका इक्विवेलेंट एक पल्स बनाएंगे और उसको हम ट्रांसमिट करेंगे. बोलिए हाँ कि ना? ओ बाप रे बहुत लैग आ रहा है. हाँ क्या क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? सो जब पाम की बात कर रहे हैं तो पाम को आपको कंसिडर करना है कि हम वहाँ सिम्बॉल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीट्स हम सिम्बॉल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं. और अगर हम सिम्बॉल्स ट्रांसमिट करेंगे तो सिम्बॉल्स के अंदर हमारा आता है बॉड रेट, सिम्बॉल्स के अंदर आता है हमारा बॉड रेट. जब हम बीट रेट और बॉड रेट की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग है. मैं दिखाता हूँ आपको कि दोनों में अलग क्या है. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ दो अलग अलग चीज़ों के बारे में, ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो चलिए अगर मैं पहला क्वांटिटी अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो वो है बॉड रेट. सबको क्लियर है ना? अच्छा पहले मुझे बताओ कि बीट रेट क्या होगा. चलिए सबसे पहले जो है वो है हमारा बीट रेट. तो बताइए बीट रेट आप क्या समझते हो, बीट रेट क्या होगा, बीट रेट क्या होगा, हमें इसका डेफिनेशन लिखना ही था. तो बताइए बीट रेट क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से बीट रेट क्या होगा, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बीट रेट क्या होगा? आई मीन से नंबर ऑफ बिट्स, आई मीन से नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड इन अ सेकंड, ये बीट रेट होगा. नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड, ये आपका बीट रेट होगा. बट जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो नेक्स्ट क्वांटिटी है बॉड रेट. जो नेक्स्ट क्वांटिटी होता है ये होता है बॉड रेट. तो बताओ बॉड रेट को हम क्या डिफाइन करते हैं, आपने कहीं पे सुना होगा बॉड रेट, जो RS-232 होता है ना वहाँ पे डिफाइन होता है बॉड रेट. बॉड रेट क्या होता है, बॉड रेट होता है नंबर ऑफ सिंबल्स. हाँ हाँ बॉड रेट आपका 8085 में भी होता है, 8051 में भी होता है.
तो बॉड रेट क्या होता है? बॉड रेट होता है नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड इन अ सेकंड, नंबर ऑफ सिंबल्स ट्रांसमिटेड इन अ सेकंड। सो नाउ लेट मी नो कि अगर हम बात कर रहे हैं बॉड रेट का और बीट रेट का, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ज्यादा होगा, बॉड रेट ज्यादा होगा या बीट रेट ज्यादा होगा? व्हाट डू यू थिंक, सोच के बताओ ज्यादा क्या होगा, बॉड रेट या बीट रेट? एग्जैक्टली, आपका जो बीट रेट है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू बॉड रेट। तो अगर हमें यहाँ पे रिलेट करना है, अगर हमें यहाँ पे रिलेट करना है किसको, अगर हमें यहाँ पे रिलेट करना है बॉड रेट को, बॉड रेट को रिलेट करना है विथ हमारा बीट रेट, तो बताओ कैसे कर पाएंगे, बॉड रेट और बीट रेट को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे? एग्जैक्टली, बीट रेट इज इक्वल टू एन इंटू बॉड रेट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड बाई एन। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे एन नहीं लिख रहा हूँ तो क्या मैं इसको लॉग ऑफ बेस टू एम लिख सकता हूँ? हाँ, विथ योर परमिशन, ये सिंपल है भाई, ये अलग कुछ नहीं है, मैंने यहाँ लेवल्स के लिए बात किया है। लॉग ऑफ बेस टू क्या मैं एम लिख सकता हूँ? हाँ, तो ये होता है बॉड रेट का इक्वेशन, विच इज अ वेल नोन इक्वेशन। ये वेल नोन इक्वेशन है, आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, प्रोसेसर है या तो फिर आपका कम्युनिकेशन है, केबल है, तो वहाँ पे आपका बॉड रेट ऐसे डिफाइन किया जाता है। क्लियर है बेटा अब? हाँ, अब ये पूरा समझ में आया क्या है बॉड रेट और बीट रेट? ऑब्वियसली ये बॉड रेट इज ऑलवेज लेस देन बीट रेट, लेस देन और इक्वल टू, दोनों सेम होगा। सेम बॉड रेट इज, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि जो आपका बॉड रेट है इट मे बी लेस देन और इक्वल टू बीट रेट, राइट? तो मुझे बताओ बॉड रेट और बीट रेट सेम कब हो जाएगा, बॉड रेट और बीट रेट सेम कब हो जाएगा? एग्जैक्टली, जब हम सिंगल सिंगल बीट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो इन दैट केस आपका बॉड रेट एंड बीट रेट सेम हो जाएगा, है ना? अदरवाइज आपका बॉड रेट ऑलवेज कम होता है, राइट? अब मुझे ये बताओ कि हमने कल देखा हुआ था इवन बैंडविड्थ के ऊपर इफेक्ट, तो बताओ बैंडविड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ये सभी क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, तो बताओ बैंडविड्थ के इफेक्ट क्या हो? हाँ, कितना कम होगा? एग्जैक्टली, जो ओरिजिनल बैंडविड्थ था, यानी कि आरबी था वो आरबी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आरबी डिवाइड बाई लॉग ऑफ बेस टू एम हो जाएगा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ फॉर बैंडविड्थ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ आरबी डिवाइड बाई लॉग ऑफ टू बेस एम, ये कर सकते हैं ना, राइट? तो बीट रेट एंड बैंडविड्थ, तो ये दोनों के जो आपके इक्वेशंस हैं, इट हैज टू बी क्लियर टू यू, पक्का क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, थियोरेटिकली सब क्लियर है आपको, क्या ये विजुलाइज कर पा रहे हो सब लोग? हाँ बेटा, हाँ, क्या ये फील हुआ? अच्छा, कोई है कंप्यूटर वाला, लाइक मैं दिखाऊंगा, चलो अगर मुझे कुछ मिला ना इंटरनेट पे जहाँ पे आपको बॉड रेट या बीट रेट का ऐसे कुछ स्ट्रीमिंग हो रहा है, लाइक बीट ट्रांसमिट हो रहे हैं और आपको दिख रहा है, ऐसे पैकेजिंग होके दिख रहा है, तो मैं दिखाऊंगा आपको, आई नीड टू सर्च इट आउट। ओके, वेट अ मिनट, काफ़ी आवाज़ हो रहा है यहाँ पे, मैं अंदर जा रहा हूँ, वेट अ मिनट। ओके, सो नाउ लेट मी नो, क्या आवाज़ क्लियर है मेरी? ओके, आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ इको विको या ऐसा कुछ? हाँ, ओके, सो क्या हम बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट से
हाँ ये मैं दिखाऊंगा अगर मुझे कहीं पे मिल गया ना ऑनलाइन कि ये बिट स्ट्रीम कैसे हो रहा है, और ये जो हमने पढ़ा है ना वो भी काफ़ी बेसिक चीज़ है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई रॉकेट साइंस है। हाँ बट द थिंग इज़ वो आपको दिखना चाहिए, तो आई होप वो दिख गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडी हो ना? हाँ चलिए, क्लियर है ना अब तक का कहानी? तो अभी आगे बात कर रहे हैं, वो सबसे मस्त बात है, और यहाँ से आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और गेट का भी इवन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको निकल के सामने आएगा और आपको समझ में आएगा। सो चलिए रेडी हो ना? गेट रेडी विथ योर पेन पेपर सो दैट इवन यू नीड टू डू सम वर्क ओवर हियर। तो चलिए आज सोचते हैं थोड़ा अबाउट से नेक्स्ट थ्योरी और जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इट इज़ अबाउट से डिटेक्शन ऑफ टू पाम। अब हम इसको रिसीव करेंगे और हम करेंगे इसका ऑप्टिमम रिसेप्शन। तो चलिए मुझे बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं टू पाम के बारे में, ये टू पाम है या तो फिर कोई भी एम पाम है, उन सबके लिए ये चलेगा? तो चलिए मुझे ये बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं टू पाम के लिए, तो चलिए अगर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो मेरे पास क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कि सर हमारे पास पहले तो बीके होगा, जैसे हमने पहले बात किया था हमारे पास बीके होगा, और जो बीके होगा वो सपोज बिट स्ट्रीम है हमारे पास, और बिट स्ट्रीम जो है वो मैं कुछ सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो है हमारे पास से 10 एंड 11, ऐसा कोई सिंपल सा हमारे पास बिट स्ट्रीम है, राइट? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे मैपिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे एके लेंगे और मैपिंग करेंगे, तो 1 को हम लोग करेंगे मैप प्लस 5 वोल्ट पे, 0 को मैप करेंगे माइनस 5 वोल्ट पे, और ऐसे करते करते हम लोग, ये पूरा बात हो रही है एट द ट्रांसमीटर एंड, राइट? ये पूरा बात हो रही है एट द ट्रांसमीटर एंड, ये आपका एक्स ऑफ टी हो गया। तो अब हम जो ट्रांसमिट करेंगे वो क्या करेंगे, यानी ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, जो हमारा पल्स होगा, जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा? तो सपोज हमारा जो पल्स है वो पल्स ऐसा कुछ है जो हमने डिज़ाइन किया है। सो इन केस ऑफ पल्स क्या होगा, इन केस ऑफ पल्स अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वी कैन हैव यहाँ पे फोर इंडिविजुअल बिट्स, और इसको हम एक शेप असाइन कर रहे हैं, एक शेप दे रहे हैं। तो अगर वो शेप दे रहे हैं तो आई थिंक वो भी क्लियर है आपको। तो अब मुझे बताओ अब इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये जो आपका बिट है, ये जो आपका पल्स है, वो पल्स कहाँ से जाएगा, तो आप लोग बोलोगे कि ये जो पल्स है वो पल्स जाएगा थ्रू अ चैनल, बोले हाँ कि ना? हाँ बेटा, चैनल जो होगा वो चैनल से जाएगा। अब चैनल क्या हो सकता है, केबल हो सकता है, या तो फिर अभी वायर्ड कम्युनिकेशन की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ये पल्स है वो पल्स कहाँ से जाएगा, तो ये पल्स जाएगा आपका केबल में से, राइट? तो ये पूरा कहानी जो यहाँ है उसको ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या कर रहे हैं। इसके बाद इसके एंड में जो थ्योरी निकल के आएगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उतना अच्छा थ्योरी है वो। सो नाउ और इवन वो प्रैक्टिकल फिल्टर है, और वो फिल्टर को हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ये पल्स को फटाफट से बनाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पल्स मेरे पास बन गए हैं। तो ये पल्स है कि ये 5 वोल्ट का, अब 5 वोल्ट का एक पल्स होगा, ये 5 वोल्ट का पल्स होगा, या तो फिर हमारे पास -5 वोल्ट का, और ये पूरे पल्सेस जो हैं वो हम फटाफट से भेज रहे हैं, राइट? करेक्ट है जी। अब हम ये पल्स को ट्रांसमिट करेंगे, है ना, जो हमने अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से ये पल्स को हम ट्रांसमिट कर देंगे, राइट? नाउ द थिंग इज, क्या आपको लगता है कि जो पल्स हमने ट्रांसमिट किया है ये पूरा का पूरा ऐसा ही रिसीव होगा आपका, जो क्या ये पल्स है, क्या ये पल्स आपने जैसा ट्रांसमिट किया है क्या वो एग्जैक्टली ऐसा ही रिसीव होगा? क्या आपको ये लगता है कि ये होगा एग्जैक्टली अटेन्यूएट होगा? अभिषेक, अटेन्यूएट का मतलब अलग होता है और डिस्टॉर्शन का मतलब अलग होता है। तो हाँ, नॉइज़ का इफेक्ट आएगा,
तो अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा x ऑफ t है, ये जो पल्स है, ये पल्स को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जब पल्स ट्रांसमिट होगा तो ये पल्स ट्रांसमिट हुआ, ये पल्स हमारा ट्रांसमिट हुआ, तो सबसे पहले बीच में क्या आएगा, सबसे पहले इसके बीच में क्या आएगा, हम इसको कहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू अ चैनल, इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू अ चैनल, तो सबसे पहले इसके रास्ते में कौन आएगा, ऑब्वियसली चैनल है, राइट। तो ये कौन है आपका, चैनल है या केबल है, जो भी है ये आपका चैनल है। अगर हम चैनल की बात कर रहे हैं तो चैनल भी क्या है, एक सिस्टम है, बोले हाँ कि ना, जो चैनल है वो चैनल भी अल्टीमेटली तो एक सिस्टम ही है। तो ये चैनल है जहां से हम लोग पास कर रहे हैं हमारे सिग्नल को, तो ये हमारा चैनल है। और जो चैनल है ना, वो चैनल के बाद जो है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉइज़ के बारे में, तो मैं नॉइज़ पढ़ाऊंगा आपको, कि यहाँ पे जो नॉइज़ है ना, वो नॉइज़ को ले रहा हूँ AWGN, जो फोर्थ ईयर में है, उन्होंने नाम सुना होगा इसका, एडिटिव वाइट गॉशियन नॉइज, AWGN, एडिटिव वाइट गॉशियन नॉइज। हम नॉइज़ को हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ये नॉइज़ है AWGN, और ये नॉइज़ को मैं लिखता हूँ N of T, ये नॉइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज N of T। अब ये नॉइज़ जो है वो एडिटिव है, वो नाम में ही है, एडिटिव वाइट गॉशियन नॉइज। वाइट का मतलब मैं समझाऊंगा, गॉशियन का मतलब भी समझाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, चैनल है, चैनल में से आपका सिग्नल पास होगा, कौन पास होगा, आपका X of T पास होगा, यहाँ पे नॉइज ऐड होगा, और नॉइज के बाद आप लोग क्या करोगे, उसको रिसीव करोगे, बोले हाँ कि ना, इसको आप रिसीव करोगे आर ऑफ टी। तो जो आर ऑफ टी होगा वो क्या होगा, आपका एक्स ऑफ टी जो चैनल है वो फॉर एड होके आएगा नॉइज, बराबर। हाँ, जो चैनल है ना, वो चैनल का जो रिस्पॉन्स है, जो चैनल है उसको मैं लेता हूँ एज ए सी ऑफ टी, चैनल जो है वो है सपोज सी ऑफ टी। तो जो चैनल के बाहर जो आएगा ना आउटपुट, ये होगा आपका कन्वोल्यूशन ऑफ, ये एक्स ऑफ टी आपने इनपुट पे डाला, तो आउटपुट क्या आएगा, कन्वोल्यूशन विथ सी ऑफ टी, बोले हाँ कि ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, चैनल को भी आप एज अ सिस्टम ही कंसिडर करो, एक्स ऑफ टी इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट क्या आएगा, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन सी ऑफ टी, राइट। अभी हाँ पृथ्वीराज, अभी कुछ भी नहीं करते, अभी कुछ मत करो, अभी जो आपका चैनल है वो लॉसलेस होता है ना, अभी हम आइडियल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ये लॉसलेस है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक्स ऑफ टी के बारे में, तो उसका जो आपने जो पढ़ा है ट्रांसमिशन लाइन, वहाँ पढ़ते होंगे आप लोग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पे आर जीरो है और जी भी जीरो है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, एंड इवन ये लीनियर ट्रांसमिशन लाइन है। तो हाँ, यहाँ पे मुझे अभी ये बताओ कि यहाँ पे क्या आउटपुट ये होगा, चैनल का आउटपुट क्या ये होगा, तो क्या रिसीव होगा, क्या रिसीव होगा वो ये होगा, जो रिसीव होगा क्या वो ये होगा, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व्ड विथ सी ऑफ टी, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व्ड विथ सी ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी, बोले हाँ कि ना, साथ में नॉइस का इफेक्ट आ ही जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं अज्यूम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अज्यूम ये करूँगा कि जो सी ऑफ टी है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स डेल ऑफ टी है, यहाँ पे मैं अज्यूम क्या करूँगा कि जो चैनल है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स डेल ऑफ टी है। तो बताओ अभी आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन डेल ऑफ टी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन डेल ऑफ टी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा चैनल में से, एग्जैक्टली सेम एज एक्स ऑफ टी आ जाएगा, बराबर है। तो चैनल क्या कर रहा है, चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स ऑफ टी को गाइड कर रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, मैं ये सब आइडियल चीजें दिखा रहा हूं आपको, कि अगर चैनल है तो चैनल को मैंने ले लिया है कि वो लो पास फिल्टर नहीं है, हाई पास फिल्टर नहीं है, वो ऑल पास फिल्टर है, हर एक फ्रीक्वेंसी को वो पास कर रहा है, राइट। और हमें आउटपुट में जो एक्स ऑफ टी है वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, राइट, करेक्ट है। तो रिसीव भी क्या होगा, तो यहां रिसीव भी क्या होगा बेटा, आप बताओ, तो रिसीव भी क्या होगा, रिसीव होगा हमारा एक्स ऑफ टी, रिसीव होगा हमारा एक्स ऑफ टी अलोंग विथ व्हाट, अलोंग विथ व्हाट, नॉइज, कैन वी अवॉइड नॉइज, कैन वी अवॉइड नॉइज,
नहीं, नॉइज हमारे हाथ में है ही नहीं, राइट? मेरी बात सुनो बेटा, मैं सब्जेक्ट को एकदम आराम आराम से ले जा रहा हूँ, तो क्या आप समझ रहे हो इसका पूरा जो हार्ट है सब्जेक्ट का, क्या वो फील कर पा रहे हो? हाँ, आई नो इट्स अ सिग्नल्स, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्या समझ रहे हो ये सब चीज़ें? एंड अगेन बिलीव मी, आपको ये कंटेंट जो है ना वो नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये पूरा समझ रहे हो ना आप लोग? एंड इवन जो फोर्थ ईयर में है वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ उन्होंने बहुत सारे बुक्स रिफर किए हैं, मगर ये जो कंटेंट दिख रहा है ये नहीं देखा है कहीं पे भी, है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ सुमित? ये कभी कैसा ऐसा कुछ भी, लाइक जो कंटेंट हम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ देखा हुआ था? एग्जैक्टली हाँ वही आ रहा है तेरा, मैच फिल्टर ही आ रहा है, गुड गुड गुड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, एक्स ऑफ टी के बारे में, भाई सुमित तू तो बहुत पढ़ता है, अगर हम एक्स ऑफ टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स ऑफ टी हमारा जो है वो नॉइज के साथ रिसीव होगा। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जो रिसीव होगा ना वो रिसीव होगा विथ नॉइज, जो रिसीव होगा ये रिसीव होगा विथ लॉट ऑफ नॉइज। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में कि जो रिसीव हो रहा है, मुझे आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना? आप लोग ही मुझे बताओगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिसीव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो आर ऑफ टी आ रहा है, जो रिसीव हो रहा है, क्या मैं इसको कुछ ऐसा पल्स ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे जिससे क्या होगा कि जो रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड सिग्नल इज समथिंग लाइक दिस, रिसीव्ड जो है वो है ऐसा कुछ। ओके, ये तो काफी गंदा हो जाएगा, लेट मी गो फॉर राइट दिस वन, लाइक इट वुड बी अटेन्यूएटेड जैसे ही फिर वो नेगेटिव में ट्रांजिशन होगा, लाइक जैसे ही वो जीरो आएगा तो वी हैव अ ट्रांजिशन एंड अगेन वी माइट हैव अ पल्स विच इज समथिंग लाइक दिस। तो व्हाट डू यू थिंक, आपका जो शेप, आपका जो सिग्नल रिसीव होगा, वुड इट बी समथिंग लाइक दिस? क्या ऐसा रिसीव होगा? हाँ एग्जैक्टली, वो काफ़ी रैंडम होगा। और आपको अभी क्या करना है, आपको अभी इसमें से डिटेक्ट करना है कि आपका जो रिसीव ट्रांसमिटेड बिट था वो वन था या जीरो था। तो बताइए एक सिंपल चॉइस क्या होगा, एक बहुत ही सिंपल चॉइस क्या होगा, हाउ वुड यू, लो पास फिल्टर? नहीं बेटा, आपको ये डिसाइड करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो बिट आ रहे हैं ओ हो, ईशा काफ़ी सही बोल रहे हो, बट द थिंग इज, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में ईशा, अभी मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही सिंपल मेथड, तो बहुत ही सिंपल मेथड क्या ये होगा कि हम लोग ये जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसको सैंपल कर रहे हैं आफ्टर ईच एंड एवरी टी सेकेंड, बोले हाँ कि ना? इसका जो सिंपलेस्ट मेथड जो अभी दिख रहा है, एग्जैक्टली यश, थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो सिंपलेस्ट वे है वो क्या है, यहाँ पे हमारा आर ऑफ टी आएगा, और आर ऑफ टी क्या हो जाएगा, हमारा आर ऑफ टी हो जाएगा एक्स ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी, ये रिसीव होगा। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि जो रिसीव हो रहा है उसी को सैंपल कर दे, और सैंपल कब करेंगे, एट ईच एंड एवरी के टी सेकेंड्स, बोले हाँ कि ना? हाँ बेटा, अगर हम इसको सैंपल कर रहे हैं एट ईच एंड एवरी के टी सेकेंड्स, तो क्या आपको लगता है कि ये सिंपलेस्ट वे है? यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली हर एक टी इंटरवल के बाद, यानी कि पहले मैंने यहाँ सैंपल किया, ये ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने उसको यहाँ पे सैंपल किया,
पहले यहां सैंपल किया, राइट, उसके बाद मैंने ओके, उसके बाद मैंने इसको फिर से सैंपल किया, मैंने उसको फिर से सैंपल किया आफ्टर टी इंटरवल, आफ्टर टी इंटरवल सैंपल किया, राइट, उसके बाद मैंने फिर से उसको सैंपल किया आफ्टर टी इंटरवल, लाइक ये टी इंटरवल के बाद मैंने सैंपल किया, है ना, और उसके बाद अगेन आफ्टर टी इंटरवल मैं उसको सैंपल कर रहा हूँ। बोले हाँ कि ना, बोले हाँ कि ना, ये पूरा मैंने इसको सैंपल किया है। आफ्टर ईच एंड एवरी टी सेकेंड्स मैं इसको सैंपल कर रहा हूँ। तो बताइए क्या एक, क्या ये सिंपलेस्ट एज वेल एज, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये इफेक्टिव तरीका है? व्हाट डू यू थिंक, क्या ये इफेक्टिव तरीका है? यानी कि व्हाट डू यू थिंक, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इट मे हैपन, इट मे हैपन कि यहां पे आप यहां पे जहां आप सैंपल कर रहे हो, यहां पे जहां आप सैंपल कर रहे हो वहां पे नॉइस बहुत ज्यादा आया और वो नीचे चला गया। आप जहां पे सैंपल कर रहे हो, जो टाइम इंस्टेंट पे आप सैंपल कर रहे हो, अगर मैं इसको ही एनलार्ज कर रहा हूं, अगर मैं सपोज इसको ही एनलार्ज कर रहा हूं, तो देखिएगा यहां पे, अगर मैं इसी को एनलार्ज कर रहा हूं, अगर मैंने इसी को एनलार्ज किया, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि अगर मैं यहां पे ये जो पल्स आ रहा है, अगर मैं ये पल्स को मैं यहां थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं फिर से, तो इट मे हैपन कि हाँ ये हमारा ऐसे रैंडम सिग्नल तो था, ये रैंडम तो था, ये पूरा रैंडम तो था, मगर जब मैंने इसको सैंपल किया, मुझे सैंपल करना था उसको जस्ट यहाँ पे, मुझे सैंपल करना था उसको यहाँ पे एट दिस टाइम इंस्टेंट, मगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉइज़ का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आ गया है और जो आपका सिग्नल है वो डिटेक्ट होगा एज अ वन। बोले हाँ कि ना, उसको मैंने सैंपल किया यहाँ पे एट टी इज इक्वल ये इंस्टेंट पे, राइट, तो आपका जो जीरो है वो डिटेक्ट हो जाएगा एज अ वन, तो ये तो एरर है ना। बोले हाँ कि ना, मगर आपको ये दिख रहा है कि जो आपका रिजल्टेंट सिग्नल है, जो आपका पूरा जो आपका वेवफॉर्म है, जो पूरा आपका वेवफॉर्म है वो तो आपका रिलेटिवली क्या है, नेगेटिव ही है। अगर आप ये पूरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, इफ यू ऑब्जर्व दिस पूरा का पूरा वेवफॉर्म, जो पल्स आपको रिसीव हुआ है, ये पूरे पल्स को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जो पूरा पल्स आपको दिख रहा है, अगर ये पूरे पल्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ, जैसे ईशा ने पहले ही बताया इसका एवरेज वैल्यू, तो बताओ क्या ये पल्स का एवरेज वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? ये जो पल्स है, ये पल्स का एवरेज वैल्यू, व्हाट डू यू थिंक, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, राइट, तो अब मुझे बताओ यहां पे इसको डिकोड करने का जो तरीका है, वो तरीका क्या होना चाहिए? इसको डिकोड करने का तरीका क्या होना चाहिए? इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सैंपल्स आफ्टर ईच एंड एवरी टी इंटरवल, कैन वी गो फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ द पल्स? बोले हाँ कि ना, बोले हाँ कि ना, क्या ये इफेक्टिव तरीका है इसको रिसीव करने का? हाँ, इंस्टेड ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्टेड ऑफ सैंपलिंग से आफ्टर ईच टी सेकंड्स वी कैन फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ रिसीव्ड पल्स ऑफ आर ऑफ टी, लाइक रिसीव्ड पल्स एंड डिसाइड ट्रांसमिटेड बिट और सिंबल यहाँ पे, राइट, ट्रांसमिटेड बिट और सिंबल, क्या ये सही मेथड है? बोलिए हाँ कि ना। हाँ, अगर ये सही मेथड है तो अब हम क्या करेंगे, अब एकदम क्लियर कट बात है यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, इसलिए ही हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ किसका? चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिखा रहा हूँ एस्टिमेशन ऑफ
मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ, एस्टिमेशन ऑफ किसका एस्टिमेशन, किसका एस्टिमेशन, सो आई मीन टू से एस्टिमेशन ऑफ ए के बिट, एस्टिमेशन ऑफ ए के बिट विच वॉज ट्रांसमिटेड, एस्टिमेशन ऑफ ए के पल, ए के बिट, ए के बिट और ए के लेवल, ए के बाय यूजिंग दिस एवरेज मेथड। तो मुझे ये बताओ कि हमने क्या किया था, हमने क्या किया था जब हमने ट्रांसमिट किया था, तब हमारे पास बी के था, एग्जैक्टली वोल्टेज लेवल, हमारे पास बी के था, बी के बाद हमने क्या किया था, उसको ए के किया था, और ए के बाद हमने ट्रांसमिट क्या किया था, हमने ट्रांसमिट किया था ए के इंटू पी ऑफ टी, बोले हाँ कि ना, नॉट पी ऑफ टी, हमने क्या था टी माइनस के टी, बोले हाँ कि ना, क्या हमने ट्रांसमिट ये किया था, ये था हमारा ट्रांसमिटेड पल्स, ये था हमारा ट्रांसमिटेड पल्स, बोलिए हाँ कि ना। अभी आप सब लोग हो ना मीटिंग में, हाँ प्रामाणिक, ध्येय, मैत्री, क्रिस्टल, हाँ ये समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे आपका कंटिन्यूस फीडबैक चाहिए रहेगा बेटा, ये है आपका ट्रांसमिटेड पल्स जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट। सो अब मुझे ये बताओ कि जो आपका ए के पल्स है, ये केथ पल्स है ना, ये केथ बिट है ना, अगर हम बीके की बात कर रहे हैं तो बीके क्या है बेटा, जो बीके क्या है हमारा, वो हमारा केथ बिट है, जो बीके है क्या वो हमारा केथ बिट है, तो बोले हाँ ये केथ बिट है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि हमें जो रिसीव हो रहा है वो रिसीव हो रहा है आर ऑफ टी, वो रिसीव हो रहा है आर ऑफ टी, हम क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन निकाल रहे हैं ए के का, उसको मैं ले रहा हूं ए के कैप, बोलिए हाँ कि ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं एस्टिमेशन ऑफ ए के, जिसको मैं ले रहा हूं ए के कैप, बोलिए हाँ कि ना। मैं आपको इतना डिटेलिंग में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि गेट ने अभी 2020 में एक दो मार्क का क्वेश्चन ऐसा पूछा था जो आई रियली डोंट थिंक सो पूरे इंडिया में 10 या 20 लोगों का भी हुआ होगा। वहां पे आपको रियल टाइम थिंकिंग चाहिए, आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है आफ्टर लर्निंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, यानी एक बेसिक एप्टीट्यूड चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, आप लोग जो मैं समझा रहा हूँ उसको एकदम ढंग से समझो, ये आपको समझना है एज एन कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो अब मुझे ये बताओ कि आपका आर ऑफ टी रिसीव हो रहा है, बराबर आर ऑफ टी रिसीव हो रहा है, हमने बोला हम निकालेंगे इसका एवरेज वैल्यू, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, जो आर ऑफ टी होगा, तो कैन आई कंसिडर आर ऑफ टी, कैन आई कंसिडर आर ऑफ टी अ पल्स जो आएगा मेरा से के टी से लेके, के टी से लेके के प्लस वन टी, बोले हाँ कि ना। जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्या ये सबको समझ में आया है, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है क्या ये सबको समझ में आया है, आपका जो आर ऑफ टी होगा बेटा, देखो वेवफॉर्म, देखो वेवफॉर्म्स, देखो ये मेरा पहला बीट है जो जीरो से टी तक का है, जो सेकंड बीट है वो है टी से टू टी का, जो थर्ड है वो है आपका टू टी से थ्री टी का, हाँ समझ रहे हो। तो अगर मैं केथ बिट की बात कर रहा हूँ तो वो कहाँ से कहाँ होगा, जो केथ बिट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो के से के प्लस वन में होगा, हाँ माई बाप। अगर मैं केथ बिट की बात कर रहा हूँ तो केथ बिट जो जो आपको रिसीव होगा वो आपका के टी से के प्लस वन टी में होगा। अब मैं इसका निकालता हूँ एवरेज वैल्यू, बोली क्या ये समझ में आया आपको, क्या ये समझ में आया आपको, राइट। अब मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मैं यहाँ पे जो मैथ्स लिख रहा हूँ आप लोग मुझे समझाइएगा क्या वो सही है कि गलत, मैं यहाँ पे मैथ्स लिख रहा हूँ तो मुझे बताइएगा जो मैथ्स लिखा है क्या वो सही है कि गलत, एक बार समझ लीजिए। क्या मैंने लिखा है वो सही है, क्या आप लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे हो मैंने क्या लिखा है इसको,
मुझे बताना नहीं है, मुझे ये बताओ कि आपको समझ में आया ये जो लिखा है वो। अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, अब तक रिप्लाई तो नहीं आया है। ओके, हाँ प्रामाणिक करो, अनम्यूट करो, सही समझ रहे हो तो बताओ। हेलो सर। हाँ हाँ सर, ये माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी मतलब ये स्टेप पता नहीं चला, वो आर ऑफ टी से राइट साइड के। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये क्या किया, कोई समझा पाएगा मेरे को? सर एक डाउट है, हम जीरो बिट भी कंसीडर करते हैं क्या फर्स्ट बिट को? हाँ हाँ जीरो बिट, हाँ मुझे लगा ही था आप क्वेश्चन पूछोगे ही पूछोगे। हाँ के की वैल्यू, कौन सा के की वैल्यू? अच्छा मुझे ये बताओ इससे आप लोग क्या समझते हो, इससे आप लोग क्या समझते हो? पूरा सिग्नल की एवरेज वैल्यू? नहीं बेटा, इससे आप लोग क्या समझते हो मुझे इतना ही बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय पी ऑफ टी माइनस के टी? पल्स, बराबर तन्मय? मगर ये पल्स कहां पे होगा? एग्जैक्टली ये पल्स जो होगा, ये पल्स कहां पे होगा? ये पल्स आपका डिलेड है, ये पल्स जो है ये पल्स आपका डिलेड है, और ये पल्स कहां पे होगा? अगर मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको तो बताओ ये पल्स कहां पे होगा? एग्जैक्टली आपका जो पल्स होगा वो पल्स डिफाइंड होगा बिटवीन के एंड के प्लस वन टी, बोले हाँ कि ना? आपका जो पल्स है ये पल्स खुद डिफाइंड होगा कहाँ, ये जो पल्स है ये पल्स कहाँ डिफाइंड होगा? ये जो पल्स है ये पल्स डिफाइंड होगा आपका, इट इज अ पल्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ? इट इज अ पल्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ होगा? आई मे से के टी टू के प्लस वन टी, बोलिए हाँ कि ना? के टी टू के प्लस वन टी, राइट? पृथ्वीराज ये पीरियोडिक नहीं है तो वन बाई टी क्यों करना है? ये पीरियोडिक नहीं है, अगर जब वन बाई टी करते हैं वो करते हैं फॉर पीरियोडिक, ये पूरा ए पीरियोडिक है एवरेज निकालने के लिए। हाँ तो ये जो पल्स है वो है आपका के टी और के प्लस वन टी के लिए। तो जब आप आर ऑफ टी को मल्टीप्लाई करोगे विद दिस पल्स, तो क्या आपका आर ऑफ टी रह जाएगा ओनली नॉन जीरो फ्रॉम के टी टू के वन प्लस वन के प्लस वन टी? अब बताओ क्या ये दोनों सही है? क्या अब आपको ये लिमिट समझ में आया प्रामाणिक? मैंने क्यों लिमिट को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट किया और यहाँ पे मैंने पल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, राइट? हाँ मैं ये सब कुछ कर क्यों रहा हूं, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान में आएगी। ये जो है ना पूरा मैथ्स, ये मैथ्स को मैं लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं आर ऑफ टी कन्वोल्यूशन पी ऑफ टी माइनस टी। ये पूरा जो इंटीग्रेशन दिख रहा है वो कन्वोल्यूशन है। कन्वोल्यूशन किसका? आर ऑफ टी का कन्वोल्यूशन है विथ व्हाट? पी ऑफ टी माइनस टी। अब आप बोलोगे हाँ ये जो कन्वोल्यूशन है, ये कन्वोल्यूशन हम लोग कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे? ये कन्वोल्यूशन हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे एट के प्लस वन टी, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एट के प्लस वन टी। मगर सर समझ में नहीं आया कि ये स्टेप से ये स्टेप कहाँ से आ गया, मैं दिखाता हूं ना आपको। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं कि मैं लिखता हूं इसको कन्वोल्यूशन, अगर मैं लिखता हूं कन्वोल्यूशन तो बताओ, हाँ हाँ श्रद्धा मैं समझाता हूं, पहले मुझे ये बताओ कि ये जो कन्वोल्यूशन है क्या ये समझते हो आप कन्वोल्यूशन को? मुझे बताओ ये कन्वोल्यूशन को आप लोग क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आर ऑफ टाउ पी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, बोलिए हाँ कि ना? ये कन्वोल्यूशन को क्या आप ऐसे डिफाइन करोगे? बताओ एक बार क्या ये सही है? हाँ हाँ यहाँ गलती किया है, रुको कहाँ सही है, गलती किया है। कन्वोल्यूशन क्या हो जाएगा? कन्वोल्यूशन हो जाएगा टी माइनस
टी माइनस टाउ डी टाउ, अब ये सही है क्या, सोच के बताओ। हाँ ईशा, अब मुझे बताओ क्या ये सही लिखा है मैंने, क्या ये सही लिखा है मैंने? हाँ बेटा, ओके ओके, मुझे ये बताओ। हाँ मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ, प्रबंध करता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ x ऑफ t कन्वोल्यूशन, अगर मैं बात कर रहा हूँ x ऑफ t कन्वोल्यूशन y ऑफ t, तो ये क्या होगा बताओ। चलो ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या होगा x ऑफ tau y ऑफ t माइनस tau d tau, कैसा होगा, बोलिए हाँ कि ना, राइट x ऑफ tau y ऑफ t माइनस tau, ये होगा। तो यहां पे क्या किया, ये जो आपका t माइनस tau है, यहां पे आप क्या करोगे, t को रिप्लेस करोगे विथ t माइनस tau। तो मैंने वही कर दिया कि यहां जो t है, यहां t को रिप्लेस कर दिया है मैंने t माइनस tau से, बोले हाँ कि ना, अब समझ रहे हो, बोलो सब लोग अब समझ रहे हो। यहां भी आपका t है वो t हो गया है tau, बोले हाँ कि ना, क्या ये सबको समझ में आया माय बाप? हाँ बेटा, क्या ये सबको समझ में आया है? तो अगर यहां पे भाई कोई बोलो तो सही, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये होगा आर ऑफ टाउ पी, ये है टी माइनस टी प्लस टाउ, ये होगा टी प्लस टाउ और डी टाउ। और मैंने क्या बोला, आपको कन्वोल्यूशन निकालना है, आपको कन्वोल्यूशन निकालना है, कहां पे निकालना है बताओ। तो आपको कन्वोल्यूशन निकालना है एट विच टाइम इंस्टेंट, एट विच टाइम इंस्टेंट, मैंने अभी अभी बोला आपको कि आपको कन्वोल्यूशन निकालना है, मगर कौन से टाइम इंस्टेंट पे, तो के प्लस वन टी, राइट। आप ये पूरा समझाता हूं इसका मतलब क्या है, के प्लस वन टी, आपको पूरा आज दिखेगा कि इसका फायदा क्या होगा और जो मैच फिल्टर है वो काम कैसे करता है, बराबर है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आर ऑफ टाउ। अब बताओ ये क्या होगा, क्या ये बन जाएगा आपका, सोच के बताओ क्या बनेगा ये। अच्छा यहां गलती किया ना, हाँ ये प्लस टाउ, हाँ बताओ ये क्या बन जाएगा। तो आई थिंक ये हो जाएगा टाउ माइनस के टी, देख लो एक बार, टाउ माइनस के टी डी टाउ, टाउ प्लस के टी नहीं होगा बेटा, देख लो टाउ माइनस के टी होगा, टाउ माइनस के टी होगा। हाँ तो अगर वो टाउ माइनस के टी हो गया है तो क्या इज इट सेम एज ये वाला आर ऑफ टी पी टी माइनस के टी, बोलिए हाँ, क्या ये और ये सेम है? ऑब्वियसली सेम है, जो टाउ है वो तो हमारा डमी वेरिएबल था, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आर ऑफ टी इंटू पी टी माइनस के टी डी टी, बोलिए हाँ कि ना। तो क्या अब आप लोग कन्विंस्ड हो कि यहां पे जो सर ने लिखा है वो अल्टीमेटली क्या है, इट इज आर ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ पी ऑफ कैपिटल टी माइनस टी, जहां पे हम कन्वोल्यूशन को एग्जीक्यूट कहा कर रहे हैं एट के प्लस वन टी, बोले हाँ कि ना। क्या अब ये क्लियर है सबको, हाँ बताओ सब लोग मुझे, रिप्लाई करो फटाफट से। हाँ मगर सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, अब मुझे कौन बताएगा कि अब हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। हमने ये पूरा समझ तो लिया कि हमने ये पूरा कहानी आया कहां से। हाँ सुमित अनम्यूट करो और पूरा समझाओ, हमने ये किया क्यों। हाँ सुमित ये किया क्यों हमने, सर वो नॉइज आ रहा था ना। हाँ हाँ तो हम अगर इससे अगर अपने को ओरिजिनल सिग्नल रिसीव करना है तो अपन वो जो P of T minus T मैच फिल्टर का ये है क्या बोलते हैं।
हाँ, मगर ये आया, हाँ मगर ये पूरा हम लाए क्यों, क्योंकि हमें ये मालूम पड़ा कि अगर हमारा जो नॉइज वाला सिग्नल है अगर हमने उसका एवरेज वैल्यू निकाल लिया तो इट मे हैपन कि वहाँ पे जो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगा उससे जो एस्टिमेशन ऑफ एके है वो ढंग से हो पाएगा, राइट। इट वॉज अ मेन मोटिवेशन जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए, इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल है उसको एट ईच एंड एवरी टी सेकंड, अब हम क्या करेंगे, जो रिसीव्ड पल्स होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। मगर जब इंटीग्रेशन किया हमें ये मालूम पड़ा कि इट इज समवॉट लाइक रिसीव्ड सिग्नल कन्वॉल्व विथ पी ऑफ टी माइनस टी। तो रियल लाइफ में इसको अचीव कैसे करेंगे यार, ये आ तो गया मगर रियल लाइफ में हम कैसे बनाएंगे इसको, क्या कोई बता पाएगा मेरे को कि इसको डिजाइन कैसे कर पाएंगे। डिजाइन यानी कि हम इसको लगाएंगे कहाँ पे, यानी कैसे करेंगे। ओके चलो मैं ही आंसर करता हूं। एग्जैक्टली, एक सिस्टम बना दो, एक सिस्टम बना दो। देखो अब तक क्या हो रहा था, अब तक क्या ये हो रहा था, अब तक क्या ये हो रहा था कि आपके पास आर ऑफ टी आ रहा था, बोलिए हाँ कि ना। अब तक क्या हो रहा था, आपके पास आर ऑफ टी आ रहा था, बोलिए हाँ कि ना। और आप लोग इसको सैंपल कर रहे थे बराबर, मगर अब क्या करोगे आप लोग, अब आप लोग यहाँ पे बीच में एक सिस्टम लगा दोगे, यहाँ पे एक बीच में सिस्टम लगा दोगे। और मुझे बताओ जो सिस्टम लगाओगे उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या रखोगे, ये जो सिस्टम लगाओगे उसका इम्पल्स रिस्पांस क्या रखोगे, इसका इम्पल्स रिस्पांस क्या रखोगे। देखो यहाँ सोच के बताओ, जो भी आप आर ऑफ टी रिसीव करोगे उसको सिस्टम में से पास करोगे तो वो जो सिस्टम आपने बीच में लगाया है उसका इम्पल्स रिस्पांस क्या रखोगे, बताओ ना मेरे को। एग्जैक्टली हम रखेंगे पी ऑफ टी माइनस टी, बराबर कि नहीं भैया। हाँ यहां पे हमें, हमने लगाया है क्या, हम इसको बोलते हैं मैच फिल्टर। सुमित कब से बोल रहा था कि इसको बोलते हैं मैच फिल्टर, तो ये सच में मैच फिल्टर है। मगर इसका फायदा क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूं, मगर मुझे ये बताओ इसका इम्पल्स रिस्पांस क्या होगा। मैच फिल्टर जो है, ये मैच फिल्टर का हम लोग इम्पल्स रिस्पांस क्या रखेंगे बेटा, इम्पल्स रिस्पांस क्या रखेंगे बेटा। हाँ सुमित बताओ, बताओ अनम्यूट करो, बताओ क्या डाउट है। आपने एवरेज वैल्यू लेके ये किया ना, मैंने हाँ, डिराइव किया तो हाँ, हमारे यहाँ पे तो उन्होंने एसएनआर मैच करके डिराइव किया था, तो इसमें अलग है क्या? नहीं मैं यहाँ तो एसएनआर से, हाँ मैं यहाँ एसएनआर से यहाँ लाऊंगा ऑप्टिमम एसएनआर लाऊंगा जो होता है 2E/N0 विद द हेल्प ऑफ, हमने ऐसा मान लिया कि ऐसा ही कोई भी सिस्टम है जिसका कुछ इंपल्स सिस्टम, इंपल्स रिस्पांस उन्होंने एच ऑफ टी ले लिया। ओके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा किया कि अगर वन ट्रांसमिट हो रहा है तो पी ऑफ टी ट्रांसमिट हो रहा है, जीरो ट्रांसमिट हो रहा है, यानी वन ट्रांसमिट होगा तो पी ऑफ टी प्लस नॉइज ट्रांसमिट होगा, हां जीरो ट्रांसमिट हो रहा है तो सिर्फ नॉइज ट्रांसमिट हो रहा है। ओके नहीं ट्रांसमिट, सुमित कर सकते हैं। बट द थिंग इज अभी नॉइज को मैंने लाया ही नहीं है, मैंने नॉइज को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है आपके सामने कि वहां पे N0/2 होता है, वो डबल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है और ये सब कुछ। तो आई थिंक ये कन्वीनियंट वे है समझाने का कि हाँ अगर हम इसको रिसीव कर रहे हैं तो गो फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ द पल्स, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि हाँ ये काफ़ी सिंपल है ना। तो यहाँ से क्या हमें मालूम पड़ रहा है कि अगर हम एवरेजिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ ये आर ऑफ टी रिसीव्ड सिग्नल को पास करना पड़ेगा थ्रू अ फिल्टर जिसका ट्रांसफर इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा पी ऑफ टी माइनस टी। बोलिए सब लोग ये बात से कन्विंस्ड हो। और हाँ इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सैंपल करेंगे। अब हम इसको सैंपल करेंगे, अभी हमने इसको पास कर दिया है और इसको सैंपल करेंगे टू डिटेक्ट व्हाट हमारा के, बोले हाँ कि ना।
जो एके है वो एके हम लाएंगे, मगर हम यहाँ पे अभी मैच फिल्टर लगाएंगे। मैं आपको इसका पूरा एग्जांपल समझाता हूँ ये कैसे काम करेगा, मगर मुझे ये बताओ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमें समझनी है वो ये है कि इफ वी नीड टू एस्टिमेट, इफ वी नीड टू एस्टिमेट मैच फिल्टर का, या मैं अभिषेक, अभिषेक बेटा मेरी बात सुन, जो मैच फिल्टर है वो है पी ऑफ कैपिटल टी माइनस टी। डू यू नो पी? क्या आपको पी पता है? मुझे नहीं पता। आपको पी पता है कि नहीं पता है? पी पता है आपको? पी क्या है? व्हाट इज पी ऑफ टी? डू यू नो पी ऑफ टी क्या है? यहां पे 30 लोग हैं, 30 लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हैं? आर यू फॉलोइंग द मैथ्स ओवर हियर? बेटा आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये सब्जेक्ट जो है इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। मैं बोल तो रहा हूं ये जो सब्जेक्ट है और मैग्नेटिक्स है, ये दोनों सब्जेक्ट्स और डिवाइसेस भी, मगर लकीली डिवाइसेस अच्छा है हमारा। हाँ अच्छा, प्रामाणिक कंफ्यूज हो गए हो? कहाँ कंफ्यूज हो गए हो? कन्वोल्यूशन, यहां पे क्या गलती किया? ये तो सब कुछ सही है, यहाँ कहाँ कंफ्यूज हो गए आप? हेलो सर। हाँ प्रामाणिक सर, ये कन्वोल्यूशन कैसा है वो नहीं पता चल रहा, मतलब वो कंफ्यूजन हो रहा है। ओके 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 प्रामाणिक, ये पूरा मैथ्स अभी छोड़ दे है। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया है कि ये पूरा मैथ्स मैंने क्या किया, तो वो पूरा मैथ्स छोड़ दो, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज मेरा रिसीव्ड सिग्नल है, उसको मैं पास कर रहा हूँ थ्रू अ सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है पी कैपिटल टी माइनस टी, तो क्या ये समझ रहे हो कि ये क्या होगा? हाँ, आप पूरा समझ जाओगे कि ये करने से फ़ायदा क्या होगा। अगर फ़ायदा समझ गए ना, तो फिर आपको ये मैथ समझने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो क्या अभी आपको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? इंस्टेड ऑफ सिंपली रिसीविंग आर ऑफ टी, हम पहले क्या कर रहे थे, आर ऑफ टी आया और आर ऑफ टी को ही हम सैंपल कर रहे हैं, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, आर ऑफ टी जो है उसको पास करते हैं थ्रू अ सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है पी ऑफ कैपिटल टी माइनस टी, और उसको सैंपल करेंगे। तो क्या अभी तक ये कन्विंस्ड हो? ऊपर का मैथ छोड़ दो, अगर ऊपर का मैथ समझ में नहीं आया छोड़ दो। क्या आपको ये समझ में आया है कि हाँ आर ऑफ टी और ये सिस्टम है, सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है ये मैंने अज्यूम किया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ टू एस्टिमेट, यहाँ जो ध्यान रखना है वो ये है कि टू एस्टिमेट केथ बिट, टू एस्टिमेट केथ बिट हम सैंपल कब करेंगे? बताओ, अगर आपको ये पूरा समझ में आया है तो मुझे बताओ कि अगर हमें केथ बिट को एस्टिमेट करना है तो उसको सैंपल कब करेंगे? टू एस्टिमेट केथ बिट एग्जैक्टली, अभिषेक लिंगे बहुत सही, वी नीड टू सैंपल एट के प्लस वन। क्या सबको ये समझ में आया है कि नहीं? बाउंस गया है ये के प्लस वन टी। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि जो कन्वोल्यूशन है ये कन्वोल्यूशन को हम एग्जीक्यूट कहां करेंगे, ये कन्वोल्यूशन को हम एग्जीक्यूट कहां पे करेंगे, हम ये कन्वोल्यूशन को एग्जीक्यूट करेंगे एट टी इज इक्वल टू के प्लस वन टी। बोले हाँ कि ना? ये कन्वोल्यूशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे एट टी इज इक्वल टू के प्लस वन टी। अब इससे फायदा क्या होगा? चलिए मेरी बात, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। अब अगर मैं यहां एग्जाम्पल ले रहा हूं तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल यहां पे है, चलिए एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपके दिमाग में उतर जाएगा और मैच फिल्टर का पूरा काम आप लोग समझ जाओगे। मुझे बताओ अब तक आपके पास जो पीटी था वो क्या था? डू यू नो पीटी? हाँ माय बाप, आपको क्या पीटी मालूम है?
पीटी क्या होता है, पल्स होता है ना, हाँ, तो वो पल्स कहां से कहां होगा, एग्जैक्टली जीरो टू टी पल्स होगा। तो यहां पे हमारे पास पल्स है, यहां पे हमारे पास पल्स है, वो जीरो से टी सेकंड्स का है, राइट। हियर वी हैव अ पल्स, और जो पल्स है वो जीरो से टी सेकंड्स का है, बराबर। यहां हमारे पास जो पल्स है, ये पल्स जो है वो जीरो से टी सेकंड्स का है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे यहां पे ये बताओ कि जब हम इसको रिसीव करेंगे, जब हम इसको रिसीव करेंगे, तब मुझे बताओ कि जब हम ये जो बिट है, ये जो बिट है, ये जो है वो है सपोज हमारा जीरोथ बिट, राइट, ये जो है वो है हमारा जीरोथ बिट। तो क्या आप लोग मुझे यहां पे, क्या आप लोग मुझे यहां पे ये ड्रॉ करके दे सकते हो, क्या ड्रॉ करके देना है आपको, आपको मुझे ड्रॉ करके देना है पी ऑफ कैपिटल टी माइनस टी। तो क्या आप लोग मुझे ये ड्रॉ करके दे सकते हो, पी ऑफ कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, और बताओ मुझे ये क्या है, ये क्या है, इसको मैं ले सकता हूं कि ये क्या है, इंपल्स रिस्पांस ऑफ, ये क्या है, इंपल्स रिस्पांस ऑफ मैच फिल्टर, ये जो है वो क्या है, इंपल्स रिस्पांस, ये क्या है, इंपल्स रिस्पांस, इंपल्स रिस्पांस ऑफ मैच फिल्टर, बोले हाँ कि ना, इंपल्स रिस्पांस ऑफ मैच फिल्टर, राइट। बताइए ये कैसा दिखाई देगा पल्स, मैं वेट कर रहा हूं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये सिग्नल्स है, इसका आंसर आपको ही बताना है। गुड गुड अविश, गुड, सेम ही आएगा क्या, सबको ऐसा मिल रहा है, ये सेम ही आएगा, बोलिए हाँ कि ना, क्या सबको ऐसा मिल रहा है, सेम ही आएगा, हाँ सही कर रहे हो, ये सेम ही आएगा, हाँ सबको समझ में आया, नेहा, क्रिस्टल, मैत्री, फिर हेरम्ब, स्नेहा है तो स्नेहा, देवेंद्र, हाँ ये सबको समझ में आया है क्या, हाँ रोहित, ये सेम ही आएगा, तन्वी और पुष्कर अगर है तो क्या ये सेम ही आएगा बेटा, हाँ हमारे पास फिर से यही ऐसा पल्स आएगा, ये जीरो से टी में ही आएगा, अलोन साहब क्लियर है ना, अलोन साहब, हाँ। तो अब मुझे बताओ कि जब आप ऐसा करोगे, आपके पास पल्स भी है और ये आपका है इंपल्स रिस्पांस ऑफ द मैच फिल्टर, तो यहां जो आपका आउटपुट आएगा, सपोज यहां का जो आउटपुट है उसको मैं ले रहा हूं वाई ऑफ टी, यहां का जो आउटपुट है उसको मैं ले रहा हूं वाई ऑफ टी, तो चलिए बताइए कैन यू ड्रॉ वाई ऑफ टी, कैन यू ड्रॉ वाई ऑफ टी, वाई ऑफ टी क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, वाई ऑफ टी क्या होगा, y of t क्या होगा, what do you think, y of t सबसे पहले कैसे आएगा, जो y of t है वो कैसे आएगा, what do you think, exactly y of t कैसे आएगा, y of t आएगा by convolving किसको, बाई कन्वॉल्विंग किसको, पी ऑफ टी, आई में से पी ऑफ टी, कन्वोल्यूशन क्या होगा, कन्वोल्यूशन पी ऑफ कैपिटल टी माइनस टी, बोले हाँ कि ना, क्या ये होगा, ये क्या ले रहा हूं मैं, इसको मैं वाई ऑफ टी ले रहा हूं, मैं एकदम आराम आराम से आपको समझा रहा हूं, क्या ये सबको समझ में आ रहा है, हाँ क्या ये सबको समझ में आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि जब आप दोनों रेक्टेंगल्स को कन्वॉल्व करोगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एग्जैक्टली ट्रायंगुलर आएगा ऑफ विड्थ कितना, ट्रायंगल आएगा ऑफ विड्थ कितना, एग्जैक्टली ऑफ विड्थ ट्वाइस ऑफ टी, बोले हाँ कि ना, ये जो भी अब तक मैथ्स हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ, सिग्नल्स का यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मुझे ये बताओ जो जो लोगों ने सिग्नल्स पढ़ा हुआ है क्या सबको ये मालूम पड़ रहा है, जो कन्वोल्यूशन का यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप ये तो होना ही चाहिए आपके पास,
तो मुझे ये बताओ क्या आपको ये समझ में आया है कि ये जो होगा पल्स आपको मिलेगा अ ट्रायंगुलर पल्स फ्रॉम 0 से 2t। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए क्या ये समझ रहे हो पूरा? अच्छा, अगर ये समझ रहे हो तो अब मुझे कौन समझाएगा कि भैया इससे फायदा क्या होगा? बताओ इससे फायदा क्या होगा? अब मुझे बताओ आप इसको सैंपल कब करोगे? आप इसको सैंपल कब करोगे? मैंने बोला पहले जीरोथ बिट को डिटेक्ट करना है तो हम डिटेक्ट का हम उसको सैंपल करेंगे एट k प्लस 1t। तो बताओ इसको हम सैंपल कब करेंगे डिटेक्ट करने के लिए? एग्जैक्टली इसको हम सैंपल कब करेंगे? इसको सैंपल करेंगे एट टी सेकंड। और आपको क्लियर कट दिखना चाहिए कि एट टी सेकंड्स यहाँ पे स्पाइक है, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है। बोलिए हाँ कि ना, एट टी सेकंड्स यहाँ पे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, जिससे क्या होगा बताओ? अब इससे क्या होगा? अगर यहाँ पे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है तो इससे क्या होगा? आपका जो नॉइस का इफेक्ट है ना, वो नॉइस का इफेक्ट यहां पे इग्नोर हो जाएगा। समझ रहे हो? एग्जैक्टली सिग्नल का एवरेज वैल्यू बढ़ रहा है। कैसे? तो अविश पहले आप लोग कर रहे थे कब? पहले आप लोग कब कर रहे थे इसको? जो नॉइज है बेटा, नॉइज एडिटिव है। अविश बेटा नॉइज जो है वो एडिटिव है। हमने ये बोला है कि नॉइज जो है वो एडिटिव होगा। तो वो क्या करेगा? अब आप खुद ही सोचो कि अगर वो नॉइज यहां पे ऐड हो रहा है तो इट मे हैपन कि वो सैंपल टाइम पे इतना ज्यादा स्पाइक दे दे कि हमारा जो ये जो हमारा डिटेक्ट हो रहा है वो डिटेक्ट होगा एज ए जीरो। मगर अब क्या होगा? अब अगर सपोज नॉइज ऐड भी हो रहा है, अगर नॉइज ऐड भी हो रहा है तो चांसेस कम है कि आपका जो ये ज्यादा मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव में जाए। अविश समझ रहे हो? हमने अल्टीमेटली क्या किया है? हमने अल्टीमेटली यहां पे ये किया है कि हमने सिग्नल का, यहां पे हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? अगर आगे पढ़ेंगे सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR, इसको क्या बोलते हैं? सिग्नल पावर। इसको बोलते हैं सिग्नल पावर। इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ सिग्नल पावर डिवाइड बाई नॉइज पावर। आई होप ये पता होगा आपको। इसको बोलते हैं SNR। SNR होता है सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर। तो यहां पे क्या किया हम लोगों ने? अल्टीमेटली जो सिग्नल का पावर है ना, हमने उसको बढ़ा दिया, जो उसका एनर्जी है उसको बढ़ा दिया। बोलो हाँ कि ना, जिससे हमारा SNR अच्छा हो जाएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा हो जाएगा और हमें जो बीट एरर रेट है ना वो कम हो जाएगा, या जो एरर का चांस है ना वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो हमने क्या किया? जिस टाइम इंस्टेंट पे हम सैंपल कर रहे हैं ना, जिस टाइम इंस्टेंट पे हम ये स्विच को बंद करेंगे ना, उस जगह पे हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ला दिया। बोलो हाँ कि ना, समझ रहे हो? बाई यूजिंग मैच फिल्टर हम लोगों ने क्या किया? बाई यूजिंग मैच फिल्टर हम लोगों ने जिस टाइम इंस्टेंट पे जब हम उसको सैंपल कर रहे हैं, जब उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, उस जगह पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लाके रख दिया। बोलो हाँ कि ना। और अगर वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो ऑब्वियसली वहां पे एरर होने का चांस कम होगा कंपेयर टू हमारा सिंपल पल्स। हेलो, किसी का आवाज चालू हो गया है? हाँ, कंपेयर टू हमारा सिंपल पल्स, अगर हम उसको पास कर रहे हैं थ्रू अ मैच फिल्टर, तो जहां पे हम उसको सैंपल कर रहे हैं ना, उस जगह पे हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लाके छोड़ दिया है। बोले हाँ कि ना। वो नेगेटिव हो सकता है अविश, मगर मुझे बताओ कि जो नेगेटिव करने के लिए नॉइस को ऐड होना पड़ेगा इन रेक्टेंगुलर पल्स, और जो नॉइस को ऐड होना पड़ेगा टू कन्वर्ट आपका ट्रायंगल का स्पाइक टू नेगेटिव, तो वो अमाउंट सेम लगेगा या अलग अलग होगा? अलग होगा ना। रेक्टेंगल के लिए वो काफी कम अमाउंट होगा क्योंकि वो एडिटिव नॉइस है, नॉइस का वोल्टेज जो है वो ऐड हो रहा है, तो यहां पे वो कम अमाउंट है टू मेक इट नेगेटिव। मगर यहां पे जब ट्रायंगल होगा, तब जब हम सैंपल कर रहे हैं तब तो मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड, तो उसको नेगेटिव करने के लिए नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा, नॉइज का काफी बड़ा स्पाइक होना चाहिए।
टू मेक इट नेगेटिव. सो अल्टीमेटली वी आर रिड्यूसिंग एरर का प्रोबेबिलिटी. क्या ये समझ में आया सबको? हाँ. अल्टीमेटली बाय डूइंग सो वी आर अचीविंग लो बीट एरर रेट. बोलिए हाँ कि ना. इससे SNR इंप्रूव होगा. अल्टीमेटली आपका जो SNR है इट हैज टू बी वेरी हाई सो दैट नॉइस का पावर जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है सिग्नल के पावर को. राइट हाँ. क्या ये समझ रहे हो? क्या एक और एग्जांपल दूं मैं आपको? गेट में मैच फिल्टर के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं. तो क्या आपको समझ में आया है कि मैच फिल्टर जो है वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है और हमने क्या किया उसके अंदर? क्या ये क्लियर है आपको बेटा? हाँ. अभी आपको ये मैच समझ में आया है कि नहीं आया है? चलेगा. ये मैच आपको समझ में आया है नहीं आया है दैट डजंट मैटर. क्या आपको ये समझ में आया है कि जो मैच फिल्टर होगा उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो हम लेंगे ऑलवेज पी ऑफ टी माइनस टी? क्या ये क्लियर है सबको? हाँ बेटा. क्या ये क्लियर है सबको? हाँ ला रिप्लाई तो करो. हाँ. जो पर्पस है क्या वो समझ रहे हो? क्या जो पर्पस है वो समझ रहे हो? ओके. तो चलिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको. तो जनरली गेट क्या करेगा? जनरली गेट आपको ये पूछेगा कि अगर हमारा ऐसा पल्स है तो जो इंपल्स रिस्पांस आप मैच फिल्टर है उसका इंपल्स रिस्पांस क्या होना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन वो दो दो मार्क में पूछता है. जो क्वेश्चन है सिग्नल्स का मगर आपको मैच फिल्टर का आइडिया होना चाहिए. राइट. तो चलिए क्वेश्चन जो है वो गेट का नहीं है, अभी तो मेरा ही है. क्वेश्चन क्या है कि सपोज जो पल्स है वो पल्स मैं दे रहा हूं आपको ऐसा कुछ, तो आपको ये बताना है कि इसका इंपल्स रिस्पांस क्या होगा. इसका जो मैच फिल्टर है ये मैच फिल्टर का इंपल्स रिस्पांस क्या होगा और उसका आउटपुट क्या होगा. ये दोनों चीज आपको मुझे बतानी है ना. चलिए तो पल्स इज समथिंग लाइक दिस. जो पल्स है वो पल्स ऐसा कुछ है. तो आपको अभी ये कमेंट करना है कि अगर ये पल्स है तो इसके अंदर अगर आप करोगे इसका सबसे पहले तो जो मैच फिल्टर होगा उसका इंपल्स रिस्पांस क्या होगा और वो जो मैच फिल्टर है उसका आउटपुट क्या होगा. चलिए. सो टेक योर टाइम एंड लेट मी नो कि इसका आंसर क्या आ रहा है. क्वेश्चन क्लियर है ना आपको? जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्लियर है ना आप सबको? ओके. जो आउटपुट होगा मैच फिल्टर का वो आप रैंडमली ड्रॉ कर सकते हो. मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ उसका शेप कैसा होगा ये आप ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. अप्रॉक्सीमेटली मुझे परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शेप चाहिए, उसका शेप कैसा होगा. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर दी इंपल्स रिस्पॉन्स कि वो कैसा होना चाहिए. तो आई होप आपको पता होगा और फिर बात करेंगे उसका आउटपुट के बारे में. तो चलिए मैं वेट करता हूं आपके आंसर्स के लिए. जस्ट व्हाट्सएप मी योर आंसर्स.
गेट के अंदर सीधे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि जो मैच फिल्टर है उसका आउटपुट क्या होगा, और जनरली फैकल्टी सीधा बोल देते हैं कि ऐसा होगा। बट आई होप आई हैव कन्वेड कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है और इसका मतलब क्या है, क्यों करना पड़ रहा है, क्यों किया ये। चलिए तो व्हाट्सएप किया आप लोगों ने? नहीं, किसी का भी नहीं आया। चलिए आई एम वेटिंग। गप्पू रहवा दे गादी, गप्पू नहीं, गप्पू वो बॉडी बहुत पेन कर रहे थे। कहाँ फंस रहे हो आप लोग? कन्वोल्यूशन में? अरे कुछ नहीं रे, एकदम सिंपल सा मुझे ग्राफ भेज दो, कैसा होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, इंपल्स रिस्पांस ऑफ द मैच फिल्टर कैसा होगा? ये सेम होगा या अलग होगा? वो सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। ओके, तो अलग यानी कैसा अलग होगा? उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? स्लोप के लिए ही बात कर दो, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एग्जैक्टली, उसका पॉजिटिव स्लोप आएगा, उसका पॉजिटिव स्लोप आएगा फ्रॉम जीरो से टी, राइट? उसका शेप जो है वो ऐसा होगा। क्या सबको ये मिला था? हाँ राइट। तो ये तो सिंपल है, कि आपका जो पल्स है वो पल्स ऐसा दिखाई देगा, और जो ड्यूरेशन है इट वुड बी फ्रॉम जीरो से टी। अब अगर आप बोलोगे कि सर इसको कन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कन्वॉल्व करने में हम लोग फंस रहे हैं, इट्स ओके रे, इट्स ओके। अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ कन्वोल्यूशन, तो क्या करेंगे? और यानी आपको इसको करना कैसे था? आपको इसको अज्यूम कर लेना था कि ये आपका x ऑफ t है, ये आपका x ऑफ t है, और ये आपका, यानी कि ये x1 ऑफ t है और ये आपका x2 ऑफ t है, है ना? फिर मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया है? ट्रेन प्लेटफॉर्म एनालॉजी। तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या बोलता है कन्वोल्यूशन का? x1 ऑफ tau और साथ में होता है x2 ऑफ t माइनस tau। बोलो हाँ कि ना, ये होता है d tau, है ना? तो मैंने क्या लिखा, बताया था आपको ट्रेन प्लेटफॉर्म एनालॉजी है, मगर फिर भी अप्रोक्सीमेटली आप क्या बता पाओगे? बताओ कन्वोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? जीरो। एंडिंग पॉइंट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ टी। मैक्सिमम कहां पे होगा? एट टी। तो इसका जो शेप है, ये रैंप है, दोनों रैंप है, तो इसका शेप समवट लाइक पैराबोला आएगा। हाँ, ये दोनों जो है वो आपके रैंप है, तो शेप जो है वो अप्रोक्सीमेटली पैराबोला आएगा। और जो पैराबोला है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये कहाँ आएगा? इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये आएगा आपका है टी सेकेंड्स। बोले हाँ कि ना, राइट? क्या ये क्लियर है आप सबको? हाँ, ये मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ,
कि अप्रोक्सीमेट शेप जो है वो ऐसा आएगा। तो क्या ये कन्विंस हो ये बात से कि ये जो है वो मैच फिल्टर है और ये जो है वो उसका आउटपुट है, राइट? अगेन यहाँ भी जो टी सेकंड है जहाँ पे हम उसको सैंपल करेंगे वहाँ पे हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव हो गया है, राइट? सो आई होप आपको जो कंसेप्ट ऑफ मैच फिल्टर है ये समझ में आया है। ये जो मेथड है वो होता है सर पर टी लेस देन जीरो के लिए इंटरसेप्ट कर रहा है ट्रेन प्लेटफॉर्म से। बेटा नहीं करेगा, बेटा देख लो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपने गलती किया है कन्वोल्यूशन के अंदर। नहीं सर, पहले वो हम माइनस टाउ करते हैं ना, तो अगर हाँ, हम x2 ऑफ माइनस टाउ करें तो वो उल्टा हो गया ना। हाँ तो वो ऐसा दिखाई देगा, वो ऐसा बनेगा। अरे हाँ सॉरी सर, वो मैंने गलती कर दी कुछ। हाँ गलती किया आपने, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ट्रेन प्लेटफॉर्म कभी भी गलत नहीं होता है बेटा, वो बरसों की साधना है मेरी, तब तो मिला मेरे को ट्रेन प्लेटफॉर्म एनालॉजी। ओके चलिए, सो आई होप ये जो मैच फिल्टर है जो रिसेप्शन है वो क्लियर है आपको, राइट? सो इसके जो क्वेश्चंस है गेट के वो हम करेंगे। कल मिलते हैं 7 बजे। कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए अभी, अदरवाइज यू कैन एंड दिस सेशन राइट नाउ। हाँ हाँ बताइए सर, वो नॉइस का मतलब जो आपने बोला ना, मतलब वो पता चला कि जैसे वो अगर स्क्वायर पल्स होगा तो फॉर एग्जांपल अगर नॉइस का एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। बट सर फॉर और वो भी मतलब ऐसे है कि अगर ट्रायंगुलर है तो उसका एम्पलीट्यूड भी मतलब इतना ज्यादा है कि वो नॉइस को मतलब सिग्नल को नेगेटिव नहीं जाने देगा। लेकिन सर मतलब हम उससे अचीव क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर नेगेटिव हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा, और मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा तो एरर कैसे कम होगी वो नहीं पता चला। अगर ये पल्स है, ये ऐसे पल्स है और ये अचानक से स्पाइक आ गया और नीचे चला गया, बराबर? हमने ट्रांसमिट क्या किया था, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ ट्रांसमिट क्या किया है हमने? वन पल्स, हाँ मतलब वन, हाँ यस वन, हाँ बीट वन हमने सैंपल किया, तब हमें क्या मिलेगा, रिसीव्ड क्या होगा, जीरो। हाँ, मतलब इससे करेंगे तो एक, हाँ ओके, हाँ, अच्छा, तो हाँ, ये हमारा पूरा उल्टा हो गया, ये एरर है, ये एरर है, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा इंफॉर्मेशन अलग चला जाएगा। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, सपोज हमने ए लिखा है तो ए का कोड जो है ASCII कोड, इट इज समथिंग लाइक दिस, 7 बिट का होता है ASCII कोड, 1 2 3 4 7, ये हो गया। अब इट में हैपन रिसीव जब कर रहे हैं ना, जब रिसीव कर रहे हैं तो बिट जो है वो 100 1101, तो एक बिट जो है ना वो चेंज हो गया है। सो इट मे हैपन कि ये जो कोड है ना ये डी का है, तो इससे पूरा इंफॉर्मेशन लॉस हो गया, पूरा चेंज हो गया इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ इंफॉर्मेशन लॉस हो गया। तो हमारा मेन पर्पस क्या होगा कि एरर्स कम्युनिकेशन में जितना कम हो रहा है उतना होना चाहिए। वी रियली कैंट इग्नोर एरर्स, और वी रियली कैंट व्हाट आई कैन से अवॉइड एरर्स। एरर्स तो होंगे ही होंगे, बट हमारा पर्पस ये होगा कि एरर को जितना कम होना उतना हमें लाना पड़ेगा, हमें ऑप्टिमम केस के ऊपर काम करना है ऑलवेज। अविश आई होप इट्स क्लियर, है ना? यस सर। हाँ हाँ हाँ, और एज एन कम्युनिकेशन इंजीनियर हमारा ऑलवेज पर्पस क्या होता है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट से ऑप्टिमम केस, जहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हम रिसीव कर पाए बिट को सही से। ओके श्रद्धा, ट्रेन प्लेटफॉर्म एनालॉजी की बात कर रहे हो कन्वोल्यूशन के लिए? हाँ सिंपल है, कोई एग्जांपल देके समझाऊं मैं आपको? ओके तो जो ट्रेन प्लेटफॉर्म एनालॉजी है वो सिंपल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसके अंदर कि सपोज मेरे पास दो सिग्नल्स हैं, सपोज मेरे पास एक सिग्नल है, ये है x1 ऑफ t एंड आप ही कोई दो एग्जांपल ऐसा हो, तो क्या मैं आपको एक डिफिकल्ट एग्जांपल दिखा दूं जिससे पूरा क्वेरी हो जाए? ओके जो डिफिकल्ट एग्जांपल है मेरे लिए, जो मुझे लगता है डिफिकल्ट है, इट इज समथिंग लाइक रेक्टेंगल, तो वैसे भी आपको आ ही जाएगा रेक्टेंगल के लिए, तो वो काफ़ी कुछ कंक्लूजन्स भी हैं, और मैं कोई एक सिंपल सा एग्जांपल पकड़ के आपको पूरा समझा देता हूँ।
चलिए ये कोई एग्जांपल लिया कि ये जीरो से वन है हमारा एक पल्स, और एक जो है ना ये पल्स को मैंने अलग किया है। कैसे अलग किया है? मैं ये पल्स को ले रहा हूँ कि ये हो रहा है ऐसा वाला पल्स जो है फ्रॉम माइनस वन से वन, राइट। अब ये दोनों को मुझे कन्वोल्यूशन करना है, तो आई नो इसका डायरेक्ट आंसर अवेलेबल है आपके पास कि ट्रेपेसोइडल होगा, स्टार्ट होगा माइनस वन से, ख़त्म होगा प्लस टू पे, फॉर बीच का वन सेकेंड कांस्टेंट होगा, वो सब क्लियर है, कंक्लूजन्स पता है। बट इसका जो रियल मेथड है, अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो इसको टैकल कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे जो ग्राफिकल मेथड है, मैं करूँगा एक्स वन ऑफ टाउ और इसको मैं कर दूंगा x2 ऑफ tau, जो बहुत सिंपल है, जो हमें पता भी है, राइट। तो मैं यहाँ सिर्फ मैंने tau एक्सिस चेंज कर दिया, ये tau एक्सिस चेंज कर दिया, और ये जो पल्स है वो 0 के 1 के बीच में ही रहेगा, और ये जो पल्स है ना, ये पल्स होगा तो वही का वही, मैंने सिर्फ एक्सिस चेंज कर दिया है, और ये हो गया मेरा आई में से माइनस वन से वन। नेक्स्ट व्हाट डू वी नो, अब श्रद्धा ये आपके ऊपर है कि आप किसको ट्रेन ले रहे हो, किसको प्लेटफॉर्म ले रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको ट्रेन ले रहा हूँ, ये जो है वो है x2 ऑफ माइनस tau, मैंने इसको कर दिया है ट्रेन लिया है, तो बताइए इसका फ्लिप्ड वर्जन क्या होगा। x2 ऑफ माइनस tau, x2 ऑफ tau एंड x2 ऑफ माइनस tau सेम ही होगा, x2 ऑफ tau एंड x2 ऑफ माइनस tau सेम ही होगा। हाँ, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको ले लिया है कि माइनस वन से वन में ये ऐसा ही पल्स है, राइट, ये ऐसा ही पल्स है। अब मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मैं ये समझा रहा हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं कन्वोल्यूशन का, उसका डेफिनेशन होता है एक्स वन ऑफ टाउ इंटू एक्स टू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, राइट, ये होता है डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, बराबर। नाउ द थिंग इज, यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मुझे ये बताओ अगर मैं यहां पे t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो क्या होगा, ये डेफिनेशन बन जाएगा x1 ऑफ tau इंटू x2 ऑफ माइनस tau इंटू x2 ऑफ माइनस tau d tau, बोलिए क्या ये होगा। हाँ, मैंने t जीरो कर दिया है, तो यहां पे t जीरो कर दिया है, यहां पे क्या याद रखोगे, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूं आपको कि अगर आप t लेस देन जीरो करोगे, यहाँ वेरी किसको करना है बेटा, हम वेरी t को करेंगे, हम चेंज t को करेंगे, इंटीग्रेशन तो है वो तो हमारा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही है, बराबर। हम किसको चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे t को, हमारा t वेरिएबल है, लेस देन जीरो होगा, मोर देन जीरो होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा। तो अब आपको याद क्या रखना है, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, अगर ये मेरा ट्रेन है, अगर ये मेरा ट्रेन है और मैंने इसको लिया है प्लेटफॉर्म, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, राइट। सो नाउ व्हाट आई एम कंसिडरिंग कि अगर टी लेस देन जीरो होगा तो जो ट्रेन है ना वो ट्रेन बैकवर्ड मूव करेगा, और अगर टी मोर देन जीरो है तो जो ट्रेन है ना वो ट्रेन फॉरवर्ड मूव करेगा, राइट। ये अभी आप एक्सेप्ट कर लो, अगर आप सिग्नल को ड्रॉ करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि ऐसा ही हो रहा है कि अगर t लेस देन जीरो है तो ट्रेन बैकवर्ड मूव करेगा, अगर t मोर देन जीरो है तो ट्रेन फॉरवर्ड मूव करेगा, राइट। श्रद्धा समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ये अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज अगर आप प्लॉट करोगे, किसको प्लॉट करोगे, अगर सपोज आपके पास x ऑफ माइनस t है और आप प्लॉट करोगे x ऑफ वन माइनस t और आप प्लॉट करोगे x ऑफ माइनस वन माइनस t, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि जो x ऑफ माइनस टी है, तो अगर आप ड्रॉ करोगे x ऑफ वन माइनस टी तो फंक्शन आगे जाएगा, और अगर आप ड्रॉ करोगे x ऑफ माइनस वन माइनस टी तो फंक्शन एडवांस होगा। हाँ श्रद्धा, ये आपको मालूम पड़ ही जाएगा, कोई भी आप x ऑफ टी उठा लेना और आप यहाँ पे देख लेना कि x ऑफ वन माइनस टी और x ऑफ माइनस वन माइनस टी करके क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपका होगा डिले, ये होता है डिले, और ये होता है एडवांस, ये याद नहीं रखने का, ड्रॉ करके देख लेने का, ये याद नहीं रखने का। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मुझे बताओ, अभी जो ट्रेन है x2 ऑफ माइनस टी, तो बताओ यहाँ पे टी क्या है। श्रद्धा, ये जो सिग्नल ड्रॉ किया है, तो अभी जो है, अभी ट्रेन के पोजीशन के लिए टी क्या है, टी अभी टी क्या है,
x1 ऑफ टाउ, x2 ऑफ माइनस टाउ, तो t क्या है, क्या लगता है आपको अभी t का वैल्यू क्या है? इज इट नेगेटिव पॉजिटिव? t यानी कि ये वेरिएबल, ये t का वैल्यू अभी क्या दिख रहा है आपको? अच्छा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, वेट जस्ट वेट फॉर व्हाइल। हाँ, क्या अभी दिख रही है स्क्रीन आपको? क्या अभी दिख रही है स्क्रीन आपको? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो केस है ना, ये जो केस है, तो मुझे बताओ यहां पे टी का वैल्यू क्या है, यहां पे टी का वैल्यू क्या है? व्हाट इज टी ओवर हियर? मैं टाउ की बात नहीं कर रहा हूं, टी की बात कर रहा हूं। टी क्या है यहां पे? नहीं 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 नहीं, ये तो एक्सिस टाउ का है ना बेटा, ये टाउ का एक्सिस है। यहां पे ये जो वेरिएबल है एग्जैक्टली यहां पे टी जीरो है। श्रद्धा, मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि हमने क्या किया, हमने पहले किया x1 ऑफ टाउ, राइट? जो x1 ऑफ टाउ है, हमने पहले टाउ का एक्सिस चेंज कर दिया, तो जो x1 ऑफ टाउ है, इट इज अ रेक्टेंगुलर पल्स फ्रॉम 0 टू 1 विथ एम्पलीट्यूड 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं x2 ऑफ माइनस टाउ, तो x2 ऑफ माइनस टाउ जो है वो ऐसा ही आएगा जो हमारे पास पहले था, तो जो x2 ऑफ माइनस टाउ है इट वुड बी अ पल्स फ्रॉम माइनस 1 से 1 विथ एम्पलीट्यूड 1, राइट? जो डेफिनेशन है वो क्या है बेटा? डेफिनेशन है x1 ऑफ टाउ लेना है, x2 ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ लेना है। तो बताओ यहां पे अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा? x1 ऑफ टाउ इंटू x2 ऑफ माइनस टाउ डी टाउ, बोले हाँ कि ना? हाँ, तो बताओ ये अभी जो है, तो अभी ये कौन सा केस है? x2 ऑफ माइनस टाउ, क्या यहाँ पे t है? ये जो ट्रेन है, तो ये ट्रेन में t का वैल्यू क्या होगा अभी? हाँ, नॉट कैपिटल t बेटा, स्मॉल t, यहाँ पे t जीरो है, बराबर? तो अब मुझे बताओ कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म में मिलन हो रहा है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म में मिलन हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, मिलन हो रहा है, क्या ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म में घुसा हुआ है, नहीं घुसा हुआ है? ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कहां से कहां है? प्लेटफॉर्म 0 से 1 है, और जो ट्रेन है वो माइनस 1 से 1 है। ट्रेन का अगवाड़ा 1 पे है, ट्रेन का पिछवाड़ा माइनस 1 पे है। तो बताओ ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म में घुसी है कि नहीं घुसी है, सोच के बताओ। नेहा, कभी घूमे नहीं हो क्या ट्रेन में? हैं, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आई है कि नहीं आई है? पूरे पूरी आ गई है, 50% आई है, 25% आई है, कितना परसेंट आई है? व्हाट डू यू थिंक? जो ट्रेन है वो ट्रेन अभी आई है, एग्जैक्टली 50% आई है ना, जो ट्रेन है वो 50% आई है, 50% तो बाहर है। तो यहां पे जो इंटीग्रेशन है, तो मुझे बताओ आपको क्या लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे आप क्या लेना है, आपको करना है x1 और x2 का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां पे डाल दो, ये होगा 1 इंटू 1 डी टाउ, वैल्यू 1 ही है दोनों का। मगर अब मुझे ये बताओ ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक घुसा है, ट्रेन कहां से कहां तक घुसा है, यानी कि दोनों का कॉमन जो है, दोनों का कॉमन रीजन कहां से कहां हो रहा है? एग्जैक्टली वो 0 से 1 हो रहा है, वो 0 से 1 हो रहा है। इंटीग्रेट करो, यू विल गेट वैल्यू उसका 1, बोलिए हाँ कि ना? आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा 1, राइट? आप इसको इंटीग्रेट करो, आप इसका वैल्यू मिल जाएगा 1। क्या क्लियर है ये? हाँ, क्या ये समझ रहे हो?
हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ श्रद्धा, अब मैं कर रहा हूँ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5। तो बताओ इससे क्या होगा, t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5, तो इससे क्या होगा, ट्रेन आगे जाएगा पीछे जाएगा क्या होगा? मैंने किया है t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5, तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रेन आगे जाएगा पीछे जाएगा, कैसे मूव करेगा ट्रेन? हाँ बेटा, ट्रेन कैसे मूव करेगा, आगे या पीछे? हाँ पीछे जाएगा। अगर ट्रेन पीछे जाएगा श्रद्धा, तो अब मुझे ये बताओ, ट्रेन पीछे जाएगा तो माइनस वन कहाँ पे आ जाएगा? ट्रेन पीछे गया, कितना पीछे गया, 0.5 पीछे गया, तो बताओ माइनस वन कहाँ आ जाएगा? ट्रेन पीछे गया है, सिग्नल पीछे गया है, तो बताओ माइनस वन कहाँ पे आ जाएगा? एग्जैक्टली ये माइनस 1.5 पे आ जाएगा, और वन कहाँ पे आ जाएगा, आई कैन से वो 0.5 पे आ जाएगा, वो 0.5 पे आ जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, राइट ये आपका 0.5 पे आ जाएगा। हाँ तो श्रद्धा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे t का वैल्यू माइनस 0.5 है, तो मुझे बताओ अभी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे? देखो ट्रेन और प्लेटफॉर्म देखो, ट्रेन कितना घुसी हुई है और कहाँ से कहाँ घुसी हुई है, एग्जैक्टली अभिषेक 0 से 0.5। अब ये इंटीग्रेशन होगा 0 से 0.5, ये इंटीग्रेशन होगा 0 से 0.5, और यहाँ पे क्या लिखना होता है, फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन तो क्या है बेटा, फंक्शन तो 1 का 1 ही है, तो ये 1 और 1 डी टाउ, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5, बोले हाँ कि ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5, बराबर है, क्या समझ रहे हो आप? हाँ तो अब मुझे ये बताओ कि हम t जो है ना, ये t कितना पीछे ले सकते हैं जब तक हमारा ट्रेन और प्लेटफॉर्म का मिलाप होगा, यानी वो साथ बना रहेगा, जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म में कब तक रहेगी, व्हाट डू यू थिंक? अगर हम पीछे ले जा रहे हैं, नहीं अभिषेक पीछे ले जा रहे हैं, सोचो हम t का कौन सा वैल्यू डालेंगे जिससे कि जो ट्रेन है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा प्लेटफॉर्म से। ट्रेन जो है ना वो पीछे मूव कर रहा है, ट्रेन जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। अगर ट्रेन बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो बताओ मुझे t का कौन सा वैल्यू के लिए आपका जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएगा, आई मीन से जस्ट टच करेगा, आपका जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को जस्ट टच करेगा। एग्जैक्टली आपको t जो है वो माइनस वन रखना पड़ेगा, क्या ये समझ में आया, माइनस वन पे जस्ट टच करेगा, राइट अगर आप यहां पे t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.75 करोगे, अगर आप यहां पे t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.75 करोगे तो क्या होगा, अगर आप यहां पे t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.75 करोगे तो क्या होगा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म का मिलाप कहां तक होगा, अगर 0.75 है, माइनस 0.75 है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का मिलाप होगा कि नहीं होगा, व्हाट डू यू थिंक? हाँ ये होगा फ्रॉम 0 से 0.25, ये होगा फ्रॉम 0 से 0.25, और ये 1 × 1 डी टाउ, आपका आंसर आ गया है 0.25, बोलिए हाँ कि ना, राइट चलिए अब मुझे ये बताओ कि अगर हम यहां पे कर रहे हैं क्या t इज इक्वल टू 1, अगर हम यहां पे कर रहे हैं t इज इक्वल टू 1, तो बताइए फॉर t इज इक्वल टू 1 क्या होगा, फॉर t इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ट्रेन आगे मूव करेगा? हाँ सुमित बताओ क्या डाउट है सर? अभी हमने देखा मैच फिल्टर यूज किया, उसमें एक पल्स थी, उसकी हिसाब से मैच फिल्टर का ये इंपल्स रिस्पॉन्स, पर हमने देखा पैम के केस में मल्टीपल बिट्स एक साथ ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पल्स आ रही थी। हाँ
यानी डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड की डिफरेंट पल्स आ रही थी ना, तो उसके हिसाब से अपने को डिफरेंट मैच फिल्टर यूज करने पड़ेंगे ना। अगर चार पल्स अपन यूज कर रहे हैं चार, तो चार मैच फिल्टर यूज करने पड़ेंगे। अच्छा मुझे ये बता कि जो हमारा पल्स है क्या वो चेंज हो रहा है? पर पल्स का शेप चेंज हो रहा है ना, यानी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ एके। हाँ वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एके, राइट। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो एवरेज वैल्यू आएगा उसमें फर्क पड़ेगा। हाँ तो अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ 1, 2, 3 and 4 volt, सो इट मे हैपन कि आफ्टर डीमॉड्यूलेटिंग आई एम गेटिंग 1.2 volt एवरेज वैल्यू। तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि मैंने भेजा है 1, है ना? हमें ये एस्टिमेट वैल्यू मिल रहा है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है एक 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 कैप। ये मैं दिखाने वाला हूँ सुमित, कल दिखाने वाला हूँ कि इसमें आगे क्या होगा। तो एक ही मैच फिल्टर से काम हो जाएगा? हाँ हाँ, मैच फिल्टर डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू पीटी। अब मुझे ये बताओ कि जब हम बात करेंगे फोर पाम, तो क्या हमें मालूम रहेगा पहले से कि अगर फोर पाम कर रहे हैं तो पल्स कैसा होगा? अगर क्या हम यूज कर रहे हैं फोर पाम, तो जो पल्स होगा क्या वो पता होगा हमें कि ये पल्स होगा? तो पता होगा ना अभिषेक? हाँ पता होगा ना। हाँ हाँ, पल्स तो पता ही होगा ना, हम एक ऑप्टिमम पल्स तो डिफाइन कर ही देंगे ना, यूनिवर्सली कुछ तो होगा ना कि ये पल्स लेना है। हाँ इसमें यानी चार मैच फिल्टर यूज करेंगे क्या? चार डिफरेंट एम्पलीट्यूड के पल्स? नहीं 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 बेटा, तू एक बात समझ, अगर तू पी ऑफ टी, मैंने क्या किया है इसको डिजाइन कर लिया है अकॉर्डिंग टू मेरा पल्स, बराबर। अब जो पल्स आ रहा है वो तो है मेरा एके इंटू पी ऑफ टी, राइट? हाँ एक ही लगेगा। तो अब क्या होगा, मैंने इसको कन्वॉल्व किया तो भी मेरा एके तो अलग ही आ रहा है ना। हाँ हाँ समझ रहा है, तो वो एवरेज वैल्यू हर बार अलग आएगा, तो फिल्टर तो एक ही है बेटा, समझ रहा है? क्वेश्चन था यानी जैसे एक, हाँ हाँ, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था, उन्होंने इसमें अपन एक ही के साथ मल्टीपल करके पल्स को मल्टीप्लाई करके पास कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जीरो के लिए एक अलग सिग्नल पास किया और वन के लिए अलग सिग्नल पास किया और क्या है क्वेश्चन, देखता हूँ कुछ वहाँ पे और कंडीशन ना हो। क्वेश्चन भेजना सुमित मेरे को, अगर मिल रहा है तो, है ना? सॉल्यूशन देखा? हाँ सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि वो दोनों सिग्नल है ना वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए, बोले ये आंसर। ओके भेजना एक बार, वो जो है वो हम चालू करने ही वाले हैं जब मैं बात करूंगा सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तो हम पहले वो समझेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे होते हैं ऑर्थोगोनल्स, है ना? तो कुछ नहीं, वो देखते हैं, मुझे क्वेश्चन भेज वो, है ना सुमित? और सर अलग अलग शेप ऑफ सिग्नल के लिए अलग अलग मैच फिल्टर्स आएंगे? हाँ बेटा, आपका पल्स, अगर पल्स आपने ऐसा लिया है, वे बहुत लैग आ रहा है यार। हाँ अगर मैंने पल्स ऐसा कुछ लिया है तो इसके हिसाब से मेरा पल्स मेरा मैच फिल्टर आएगा, तो आपका जो पल्स का से वो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा जो आपने किया? नहीं हमें डायरेक्टली वही करना है ना, पी ऑफ टी माइनस पी माइनस टी। बहुत लैग आ रहा है मेरे अंदर, तो अगर पल्स हुआ तो भी यही होगा ना पूरा सेम। हम इसको डिराइव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पी पल्स, हमने पल्स का शेप कहीं भी नहीं देखा है। जैसे कि देखो यहाँ पे ईशा, पल्स का शेप अलग था, यहाँ पे पल्स का शेप अलग था, ये रहा ट्रायंगल था और रैंप था, तो भी वो काम तो कर ही गया। अच्छा मतलब वो तो सबके लिए है। हाँ पल्स कुछ भी हो, है ना? Yes. हाँ हाँ अभिषेक मैं करता हूँ, आई एम रियली सॉरी अभिषेक, मुझे सुबह ही याद आया तेरे डाउट सॉल्व करना है, आई एम रियली सॉरी अभिषेक, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ सॉरी सॉरी सॉरी।
मैं कहाँ था, यहाँ था। ओए श्रद्धा, ये हुआ अभी? अगर टी प्लस वन होगा तो क्या करोगे? अगर टी प्लस वन होगा तो ट्रेन कहाँ आएगा आपका? कुछ अंदाजा लगा आपको? हाँ बेटा, अगर टी प्लस वन होगा, टी प्लस वन होगा तो ट्रेन कहाँ आएगा? हाँ, राइट साइड आएगा। मगर ट्रेन कहाँ से कहाँ होगा? ट्रेन कहाँ से कहाँ होगा? आपने प्लस वन आगे धकेला है ट्रेन को, तो आई थिंक वो जीरो से टू आएगा। देख लो एक बार, एग्जैक्टली वो जीरो से टू आएगा। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि अब ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है? प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है? एग्जैक्टली जीरो से वन हो रहा है ना? बस अब आगे करते जाओ, अब समझ जाओगे आई थिंक ट्रेन प्लेटफॉर्म एनालॉजी, है ना श्रद्धा? अगर ट्रेन और आगे निकल गया तो फिर ओवरलैपिंग कम होता जाएगा, है ना? इसलिए इसका शेप कैसा आता है? शेप ऐसा आता है, ट्रेपेजॉइड, है ना? ओके सर, इसमें तो शेप पता चल जाता है, पर ट्रायंगल में आपने कैसे बोला पैराबोला वो पता? अबे तेरी तो कैसे प्रेडिक्ट करते हो तू? तू क्या है, सुन, इसको क्या लिख पाएगी तू? इसको लिख पाएगी तू? आई थिंक यहाँ टी स्क्वायर हुआ। हाँ हाँ, इक्वेशन लिखे। हाँ, ये यू ऑफ टी और साथ में होगा के लाइन के इंटीग्रेट करें। हाँ, करना पड़ेगा ना, तो टी स्क्वायर आ ही जाएगा क्योंकि ये रैंप है ना बेटा। सर, तो, हाँ सर, लेकिन पहला वाले में इक्वेशन में टी समथिंग आएगा, दूसरे में टी आएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब आएगा ना अगर इसको लिख रहे हैं तो स्टेप चेंज भी हो रहा है, यहाँ पे स्टेप चेंज भी है और स्लोप चेंज भी है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ फटाफट से, मुझे यू ऑफ टी और आर ऑफ टी का पता है तो मैं सिग्नल को करता हूँ। हाँ, अदरवाइज लाप्लास कर लो, लाप्लास से भी हो जाएगा, वो भी सही ऑप्शन है, चलेगा, लाप्लास भी चलेगा। हाँ, कर सकते हैं लाप्लास से।